ऐसा क्यों हो रहा है सारा ये देख ये अभी तक वही है

निकाल दिया डेस्कटॉप पे जाओ ना डेस्कटॉप पे है ना उसका ऐप भी बंद कर देंगे मुझे है तो, ना पावर मिल है उसको डिसकनेक्ट कर देंगे क्या हो रहा है ठीक है चलो शुरू करें नोट्स ओके सो गुड इवनिंग टू एवरी वन मेरा नाम सी ए जय चावला है जय चावला है सी ए तो बाद में लगा तो यस हम यहाँ पर मिल रहे हैं सी ए इंटर की एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस के लिए ऑब्वियसली मैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ाता ही नहीं हूँ अकाउंट्स ही पढ़ाता हूँ सो so, सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं ये जानना चाहूंगा कि आप uh, मेरे साथ कुछ बच्चे लाइव भी हैं यूट्यूब पर भी हैं तो मैं उन सबको भी बोलूंगा गुड इवनिंग और मैं आप सभी स्टूडेंट से यह पूछना चाहूंगा कि सी ए इंटर ग्रुप वन का आप लोगों का क्या स्टेटस है, है? एग्जाम दे दिए हैं कि दोगे देंगे अच्छा मैं वापस से पूछ लेता हूं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं वेरी गुड अभी दिसंबर में अच्छा आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे ठीक है ना होप फॉर द बेस्ट वो स्टूडेंट बोल रही है सर क्या, सर क्या अच्छा और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ग्रुप नहीं दिया है ओके okay, कुछ हैं ठीक है थीके. इधर अगर यूट्यूब पे देखें तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डन दे दिए हैं दे दिए हैं डन मैक्सिमम बच्चों का यूट्यूब पे भी है दे दिए मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही हैं जिन्होंने ग्रुप वन के एग्जाम्स दे दिए हैं ठीक है ना अच्छा देखिए ये सही समय है मुझे लगता है ये सही समय है आ, अपना टाइम यूटिलाइज करने का फ्रेंकली स्पीकिंग उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम्स दे दिए हैं रिजल्ट दो महीने ढाई महीने से पहले आने वाला है नहीं तो आप जिस फ्लो में पढ़ाई कर रहे थे अभी एग्जाम्स की आपकी एग्जाम के टाइम पे वैसे ही अपना फ्लो बढ़ जाता है आठ दस घंटे मिनिमम हो ही जाते हैं आठ दस घंटे तो मिनिमम हो जाते होंगे ना सिर्फ मतलब मैं मिनिमम बोल रहा हूं आठ दस घंटे मिनिमम हो ही जाते हैं। तो, yes, तो यस, घंटे क्योंकि हो जाते हैं फ्लो तो कंटिन्यू रखना अभी जरूरी है क्योंकि आपके पास समय कम है हम एक महीना पीछे चल रहे हैं वैसे भी पीछे मतलब अभी नवंबर के बदले दिसंबर में एग्जाम्स हो गए तो ऑब्वियसली हम पीछे चल रहे हैं अच्छा चलो बाकी बाद में अपन बातें करते रहेंगे इस बारे में हमारी पढ़ाई शुरू होगी स्टूडेंट में थोड़ी जानना है मैं मैं पढ़ाई करनी है तू मतलब सुबह से मतलब अभी ये सेम चीज बताते रहोगे की ऐसा होगा वैसा होगा अपने गुणगान बाद में करो सर अभी पढ़ाओ आप सिंपल सी बात है हर, कद, हर बच्चा ये बोलता है बट द पॉइंट कुछ पॉइंटर्स के बारे में मैं जरूर बताऊंगा ताकि पहले से ही कुछ क्लैरिटी आ जाए बैच के बारे में और बुक्स के बारे में और अदर चीजों के बारे में और मैं यहां पर यूट्यूब स्टूडेंट से भी अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज ध्यान से सुने ठीक है और आपकी कुछ क्वेरी होगी तो मैं बाद में इंटरटेन करूंगा सबसे पहले अबाउट द फैकल्टी माय नेम इज जय चावला आई बिकेम अ थाउजेंड अकाउंटेंट इन 2011 मैं 2011 में चार्ट अकाउंटेंट बना अभी 2021 चल रहा है तो टेंटेटिवली 10 साल हो चुके हैं दस साल से ऊपर हो चुके हैं बट मैंने 2010 मतलब सी ए फाइनल में होते हुए मैंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत कर ली थी प्रोफेशनल टीचिंग मेरी 2011 हजार ग्यारह ऑब्वियसली प्रोफेशनल टीचिंग मतलब सी का टैग लगने के बाद ही होती है तो दस साल से मैं पढ़ा रहा हूं मैं दस साल से सी ए इंटर और सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं ठीक है तो ऑब्वियसली जब एक फैकल्टी को एक आठ से दस साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है मतलब 10 साल इसका मतलब 20 अटेम्प्ट एक तरीके से टेंटेटिवली कोरोना का एक अटेम्प्ट हटा दो आप अगर वो भी अच्छे से काउंट करो तो 19 अटेम्प्ट तो 19 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है मेरे पास ठीक है ना मुझे लगता है कि वो कम नहीं है और वो एक्सपीरियंस मैं पूरी कोशिश करता हूं हमेशा हर बैच में आप सबके साथ शेयर करूं ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं चाहे वो एक्सपीरियंस मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से हो चाहे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर हो चाहे मेरा प्रैक्टिस करवाने का तरीका हो चाहे रिविजन करवाने का तरीका हो चाहे एग्जाम डेज में वो एबीसी बताना बच्चों को कि कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा इस बार ये ध्यान रखना इस बार वो ध्यान रखना ये सब चीजों का एक्सपीरियंस ये सब चीजों को मिलाकर ये एक्सपीरियंस बना है दस साल का ऑब्वियसली मुझे लगता है इसके अलावा मुझे मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है मैं टीचर हूं बस इतना काफी है चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड ही अपने आप में सही है द थिंग अबाउट एडवांस अकाउंट कोर्स द सिलेबस अगर हम सिलेबस की बात करें यस yes, अगर हम सिलेबस की बात करें तो अगर आप अपनी कॉपी लाए हो तो ज्यादा अच्छा है और कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको देखिए मैं आपको बता दूं अच्छे से एडवांस अकाउंट्स का जो सिलेबस है हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक अकाउंट्स एक तरीके से अकाउंट्स की तरह हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं चैप्टर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस अब आप ग्रुप टू में हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप टू ग्रुप वन के एग्जाम्स दे चुके होंगे ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप वन के एग्जाम्स दे चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रुप वन में ए एस का वेटेज कितना होता है कोई बताएगा यूट्यूब स्टूडेंट्स भी साथ साथ बात कर सकते हैं हा अच्छा यहां के बच्चे बोल रहे हैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी यस अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी एडवांस में तकरीबन तकरीबन बीस से तीस परसेंट सिलेबस कवर होता है ठीक है ना बीस से तीस परसेंट सिलेबस कवर होता है ए एस का अब आप इसका मतलब यह समझो कि आपका ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट अकाउंट वन में था अकाउंट्स वन मतलब अकाउंट्स पेपर और एडवांस में ट्वेंटी तो कितना हुआ लगभग लगभग कम तो नहीं होते यार मतलब आप institute की thought process को समझो आपसे चाहता है कि बच्चा सीए इंटर में कम से कम पचास मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के आए जब सीए फाइनल में आ रहा है तो सीए फाइनल में आने से पहले उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज हो और इंस्टीट्यूट आपसे कम से कम पचास मार्क्स सीए इंटर में टेस्ट कर रहा है अंडरस्टूड और नॉट तो अगर वो पचास मार्क्स को हमने अच्छे से ध्यान दिया अच्छे से ध्यान दिया तो इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हमें फाइनल में तो मिलना चाहिए क्या बोलते हो सीए फाइनल में अगर मैं बोलूं कि यही सब्जेक्ट यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हंड्रेड मार्क्स का पेपर बन जाता है हंड्रेड मार्क्स का पेपर मतलब लाइक उसके अलावा उस पेपर में और कुछ होता ही नहीं है तो इसका मतलब सीए इंटर में वो पचास मार्क्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि मुझे सीए फाइनल में अगर अच्छे से पढ़ना है मुझे हंड्रेड मार्क्स का पेपर देना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर तो इसका मतलब मुझे सीए इंटर में ये 20-25 मार्क्स एडवांस अकाउंट्स के और 20-25 मार्क्स अकाउंट्स के मुझे अच्छे से मेहनत करनी चाहिए अंडरस्टूड और नॉट तो मैं बस आपको एक ये रेलेवेंस बता रहा हूं इस चीज का कि 50 मार्क्स बेटा कम नहीं होते पचास मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सीए फाइनल में यही आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर बन जाएगा पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर उसको हम इनडेस बोलते हैं ऑब्वियसली वो आईएफआरएस के ऊपर बेस्ड निकाले गए वही होते हैं बट ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगी फाइनल में ठीक है तो इसका मतलब अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स हमारे लगभग लगभग लग लग कितने रहते हैं सेवेंटी से सेवेंटी का हमारा कवरेज कितना रहता है चैप्टर्स का ऑल राइट right? अच्छा चैप्टर्स और एएस मिलाकर ये पूरा एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है लगभग लगभग 120 मार्क्स का पेपर बनता है 120 मार्क्स के पेपर में से 30 मार्क्स के आसपास का एएस बनता है ठीक है क्या एडवांस अकाउंट्स अकाउंट्स से टफ है या एडवांस अकाउंट्स अकाउंट्स से ज्यादा लेंदी है कोई जवाब देगा सुना हो या किया हो आपको क्या लगता है एडवांस अकाउंट account से टफ हो होना, होना चाहिए क्योंकि मतलब हाई होगा तो मैं आपको बता दू देखो ना यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, बच्चे की बहुत काम आती है यहां पर आप जब सीए फाउंडेशन पास करके आए थे तो जब आप अपनी पहली क्लासेस कर रहे थे ना तो आप नए नए बच्चे थे तो क्या था ना स्लो चलना वॉज मैंडेटरी धीरे धीरे चलना वॉज मैंडेटरी क्योंकि सीए इंटर आपके लिए एक नया रूम था आप उस रूम में कभी इंटर हुए नहीं आप कभी एडजस्ट नहीं हो गए बट सीए इंटर ग्रुप वन की पढ़ाई करने के बाद आप एडजस्ट हो गए हो और एडजस्टमेंट अब आपको समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट क्या होता है सीए इंटर ग्रुप वन की पढ़ाई करके अब आपको स्पीड भी समझ में आ गई है क्या होता है तो कंपेरिटिवली होता यह है कि जब हम एडवांस अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स से जल्दी कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है अकाउंट्स से जल्दी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि वैसे दोनों कोर्स का जो लेवल है वो एक जितना है ड्यूरेशन अगर देखा जाए या चैप्टर्स देखे जाए बट फाउंडेशन के पास किए हुए बच्चे को जब हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो वो नया नया बच्चा होता है उसको स्पून फिटिंग की जरूरत होती है ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से सब एग्री करेंगे क्योंकि हम सर नए नए हैं धीरे पढ़ाने का नहीं तो फीस नहीं भरेंगे हम कहीं और चले जाएंगे बता रहा हूं ऐसा होता है कि नहीं तो धीरे 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 पढ़ाना पड़ता है मतलब मैं क्या मां कसम मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि शुरू के दस दिन तक तो मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं हूं स्टार्टिंग के मुझे मुझे बेसिक्स देने पड़ते हैं अकाउंट्स की क्लास में मुझे स्टार्टिंग के दस दिन तो मुझे बेसिक्स देने पड़ते हैं वही शेड्यूल थ्री क्या होता है बैलेंस शीट क्या होती है पेंडल क्या होती है मैं रिलायंस या फिर अडानी की पिछली क्लास में तो मैंने एनुअल रिपोर्ट करवाई थी अगर आप में से मेरे कोई स्टूडेंट है तो तो पॉइंट ये है मुझे एक एक चीज हर एक चीज के पीछे का रीजन बताना पड़ता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक क्या होता है क्यों क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि फाउंडेशन में घंटा तुम ये सीख के आयोगे भले सीख के आयोगे पर मेरे हिसाब से तो नहीं सीख के आयोगे मैं तो सिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो मेरे को तकलीफें आएंगी मेरे को पढ़ाने में तकलीफ आएंगी बट एडवांस अकाउंट में मैं ये सब इतना डिटेल में बेसिक्स वाला पोर्शन सिर्फ बेसिक्स वाला पोर्शन इतना डिटेल में नहीं जाता हूं क्यों क्योंकि स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करके आ रहा है कि बॉस जल्दी चैप्टर खत्म करवाओ मुद्दे पे आओ और ये बेसिक बेसिक हमें पता है क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ के आए तो बहुत टाइम सेव हो जाता है इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो एडवांस अकाउंट्स में हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स टिवली अकाउंट्स से कम होंगे अकाउंट्स से कम होंगे जहां अकाउंट्स में मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स जाते हैं 80 से 90, वहां यहां हमारे लेक्चर्स होंगे अप्रोक्सीमेटली 70, 70 लेक्चर्स की पूरी पूरी कहानी होने वाली है हमारी एडवांस अकाउंट्स की अगर आपने मुझे ढंग से मेरा साथ दिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन सेवेंटी लेक्चर्स में ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट होगा बट कोर्स कंप्लीट के साथ साथ आपने अगर मेरा साथ दिया मैं बता रहा हूं कि मुझे आपका साथ किस टाइम पे लगेगा मैं उस पर भी आऊंगा अगर आपने मेरा साथ दिया तो इन सत्तर क्लासेस में हम सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करेंगे हम अलग से क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको सेपरेट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाला हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की उसकी भी प्रैक्टिस करके बाहर निकलेंगे सत्तर क्लासेस के अंदर अंदर सोचो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ मतलब क्लास में जो दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन वो तो होंगे ही होंगे तो मुद्दा यहां पर है कि आपको एडवांस अकाउंट्स अकाउंट्स से ज्यादा क्या बोलते हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्यों क्योंकि एडवांस अकाउंट्स थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है यहां कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको रियल लाइफ में काम आते हैं जैसे कंसोलिडेशन होल्डिंग सब्सिडी आपने नाम सुना है एक कंपनी होल्डिंग कम बनती है सब्सिडी कंपन ये तो सुना होगा ना पर उसकी अकाउंटिंग ऐसे ऐसे केस में कंसोलिडेशन कैसे करते हैं वो आपको रियल लाइफ में काम आएगा आज भी मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं सीए फाइनल पास हो चुके हैं सीए बन चुके हैं वो कई कई कंपनीज में तो आज भी मुझसे वो सजेशंस मांगते रहते हैं कि सर ये कंसोलिडेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए क्या होगा कैसे होगा तो ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इस सिलेबस में दिए गए एडवांस अकाउंट्स में वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है जैसे ए एस ट्वेंटी टू टैक्स के ऊपर प्रैक्टिकल तो होता ही होता है तो ऐसे कई सारे टॉपिक आपको मिलेंगे एडवांस अकाउंट्स में जो इंटरेस्टिंग हो और वो पूरा चैप्टर पूरा सब्जेक्ट आपको अकाउंट से इंटरेस्टिंग ही बनाएगा ठीक है अच्छा जी देन अबाउट दिस बैच हम मुद्दे पे आते हैं इस बैच की बात करते हैं अगर मैं इस बैच की बात करूं तो टेंटेटिवली हमारे डेली आवर्स क्या रहेंगे क्या बताए गए आपको क्या बात कर रहे हो टू एंड हाफ आवर्स बताए गए हमारे डेली आवर्स रहेंगे थ्री आवर्स मिनिमम मैंने थोड़ी देर बोला अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैंने ये भी बोला था कि मैं बताऊंगा कि प्लीज मेरा साथ आपको मुझे देना है मैं मुद्दे पे आता हूं हमारी डेली क्लास जो आपको ढाई घंटे की बताई गई है शुरुआत ढाई घंटे से होगी पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सवा तीन घंटे कैसे हो गए क्यों क्या हो गया सर अभी तो तीन बोला था ज्यादा मत मुंह बनाओ नहीं तो साढ़े हो जाएगा मैं बता रहा हूं इसलिए मुंह मत बनाओ ठीक है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कैसे साढ़े चार से आठ बज गए ठीक है तो आप खुद ही बोलोगे कि सर नौ बजे तक पढ़ाओ तो पॉइंट ये है कि क्योंकि मुझे लास्ट स्लॉट मिला है जिंदगी का अलग ही एहसास मैं आपको दिलवाने वाला हूं ठीक है अच्छा आपके खाने पीने की गारंटी मेरी अगर आपका खाना पीना कहीं से छूट जाता है तो अगर कोई हॉस्टल तो उसकी गारंटी मेरी होगी ऐसा अगर कुछ हुआ तो ऐसे कोई है कोई हैं क्या क्या हॉस्टल वगैरह वाले अच्छा तो वहां सात साढ़े सात का एक लिमिट होता होगा कितना था 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 था। बेटा चल फाइनेंस में कर दूंगा टेंशन मतलब यहां तेरे लिए खाना आ जाएगा <laughs> तो पॉइंट यह है कि खाने पीने का बिल्कुल मत सोचना वो मेरी जिम्मेदारी है द पॉइंट इज कि मुझे आपसे ढाई घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा फ्रेंकली स्पीक सीरियस नोट मुझे ढाई घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा ठीक है एडवांस अकाउंट टाइम लेगा मुझे आपसे प्रैक्टिस करवानी है सिर्फ पढ़ाना नहीं है मुझे प्रैक्टिस करवानी है सो मैं यहां पर लिख देता हूं एवरेज थ्री आवर्स चलो डेली क्लास एवरेज थ्री आवर्स की होगी मैं एवरेज ले रख रहा हूं कभी सवा तीन कभी साढ़े तीन कभी ढाई कभी पौने तीन ऐसे करके मूड के अकॉर्डिंग टोटल ड्यूरेशन सर कितना होने वाला है अब आप निकाल लो टोटल ड्यूरेशन मैथमेटिकली कितना होता तीन इंटू सेवेंटी करो टू हंड्रेड एंड टेन सो टू हंड्रेड एंड टेन आवर्स की हमारी क्लास होगी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन ऑन एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वेश्चन ईयर जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ईयर करवाए जाएंगे उसको मिलाकर होगी मतलब क्या सत्तर लेक्चर्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नहीं सत्तर लेक्चर से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एक्स्ट्रा जितना पहले कंप्लीट होगा उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेंगे उस रिमेनिंग डेज में हम एक्स्ट्रा सेशन की प्रैक्टिस करेंगे साहब में बात की नहीं ठीक है अच्छा रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे आप सबका मुझे कुछ बच्चे भी यहां पर भी देखो बच्चे हंस रहे हैं कि मतलब सर आप कैसे दो सौ दस घंटे पढ़ाओगे कैसे क्या होगा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये दो सौ घंटे कैसे कैसे टाइम बीता जाएगा आपको समझ में आ जाएगा अच्छा टेस्ट सीरीज देखिए यहां पर दो टाइप के बच्चे हैं एक आप जो मेरे आप मेरे सामने बैठे हैं अच्छा मुझे मेरे सामने जो बच्चे बैठे मैं उनसे पूछूंगा फेस टू फेस को लेकर एनर्जेटिक हो या फिर लग रहा है कि यार वो घर पर बैठ के रिकॉर्डेड क्लास देखना या लाइव देखना ही बेटर है फेस टू फेस फेस टू फेस बहुत टाइम हो गया ना फेस टू फेस पे नहीं आया यार, है ना अजीब लग रहा होगा सेम सिचुएशन मेरी ऐसी है मतलब आज शायद डेढ़ डेढ़ साल हो गया दो साल हो गए मैं इतने टाइम बाद आपके सामने आ रहा हूं तो मेरे को भी ना शुरू शुरू में पसीने छूट रहे थे यार कैसे होगा क्या होगा कि डेढ़ दो साल बाद यार वापस से क्लास शुरू कर रहा हूं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं और मैं फेस टू फेस फेस टू फेस वाले बच्चों पर मेरा पकड़ रहेगा कंट्रोल रहेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है तो मैं यहां पर टेस्ट सीरीज को लेकर यह बताना चाहता हूं कि टोटल मिला के आपके चार टेस्ट लिए जाएंगे वो भी डिसाइडेड है कि पांच भी नहीं तीन भी नहीं चार ही टेस्ट लूंगा चार टेस्ट में से आपके दो टेस्ट होंगे पोर्शन वाइज टेस्ट पोर्शन वाइज टेस्ट समझते हो क्या होता है पोर्शन वाइज टेस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट 30 से 40 परसेंट सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका पहला टेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा आप सोल्यूशन शीट हमें देंगे हमारी टीम आपको चेक करके दे देगी देगीबस मतलब परसेंट फिर सेकेंड फोर्टी परसेंट सिलेबस जब होगा तो क्यूमुलेटिव एटी परसेंट सिलेबस का सेकेंड टेस्ट होगा मतलब जो सेकेंड वाला टेस्ट होगा वो क्यूमुलेटिव एटी परसेंट का टेस्ट होगा और बाकी के जो दो टेस्ट होंगे वो हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के टेस्ट होंगे चारों टेस्ट पेपर्स मेरी टीम चेक करेगी अगर आपको यहां पर पता हो कि हमारे नीचे यहां पर सेकंड फ्लोर पे वी स्मार्ट एग्जाम प्रेप डिपार्टमेंट है वहां पे सीए अपूर्वा मैम है वो चेक करेंगी और पेपर बनाते वक्त मैंने उनको पूरा सुपरवाइज किया है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए ठीक है जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं या रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं सेम उनको भी चार टेस्ट मिलेंगे उनको भी टेस्ट पेपर सॉल्व करना है सॉल्यूशन शीट मेल करना है और मेल करने के बाद हमारी टीम वो पेपर चेक करेगी और आप, वापस आपको मेल करके वापस देगी ठीक है ओके okay. हमको टेस्ट कहां से मिलेगा आपको टेस्ट आपके मेल पर भी आएगा और जिन बच्चों ने वेबसाइट पर ऑर्डर किया है तो उनके लॉग के अंदर आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा तो टेस्ट सीरीज फोर टेस्ट चार टेस्ट रहेगा तो तुम लोगों को तो पटक पटक के धो धो के टेस्ट दिलवाऊंगा ठीक है ना करानी पड़ेगा टेस्ट नहीं दे क्या होगे? क्लास से बाहर जाओ वही वाले दिन फेस टू फेस वाले तुम कितना फेस टू फेस, फेस टू फेस। हाँ, अब दिखाऊंगा फेस टू फेस क्या होता है ठीक है तो पर मेरा कंट्रोल ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे नहीं रहेगा मैं आपको सच बताऊं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सीधी सीधी तो टेस्ट टेस्ट जिम्मेदारी रहेगी सोलूशन चेक करने की जिम्मेदारी मेरी और मेरी टीम की रहेगी तो मेरा कंट्रोल फेस टू फेस वाले बच्चों पर रहेगा टेस्ट के रिगार्डिंग ऑनलाइन वाले बच्चों पर नहीं रहेगा हा टेस्ट पेपर्स देने के बाद हम उसका सोल्यूशन भी डिस्कशन करेंगे क्लास में ताकि एक समझ आ जाए कि हाँ यार कहा गलतियां हुई अच्छा कोर्स वैलिडिटी और कोर्स व्यूज मैं उसके उसके ऊपर आने से पहले मैं कुछ बात इंपॉर्टेंट आपसे बोलना चाहूंगा सबसे पहले तो जो हमारे यहां पर क्लास फेस टू फेस वाले बच्चे देख रहे हैं और या फिर लाइव स्ट्रीमिंग पर बैच जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं फेस टू फेस स्टूडेंट्स और लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स इन दोनों बच्चों को कहीं ना कहीं 2.5 पॉइंट व्यूज क्लासेस के दिए जा रहे हैं ये 2.5 व्यूज का मतलब क्या होता है वन व्यू तो जो मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं ये व्यू ही तो है ना और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उनको भी व्यू मिल रहा है वन व्यू वन व्यू के अलावा आप सभी स्टूडेंट्स को चाहे फेस टू फेस है चाहे लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन वाले बच्चे आप सभी को हमारी रिकॉर्डेड क्लास यही वाली रिकॉर्डेड क्लास हंड्रेड परसेंट बैकअप दिया जाएगा जिसमें व्यूज होंगे समझ आया बैकअप कब से मिलेगा सर डेली अपलोड होते जाएंगे आप घर से डाउनलोड करते जाओ आपको जब देखना है आप देखो अपने सिस्टम पर बैठ के अगर आपका कोई लेक्चर छूट गया तो इसको लेकर कुछ डाउट तो नहीं है समझ आया मैंने क्या बोला मैं फिर से समझा मैं हाँ बताइए मैं बस हाँ मैं वही उसी पे आऊ 2.5, 2.5, सर सर सर, सर लिख आएगी सर सर बताओ 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 तू सर ये, ये बात नहीं है सर हमारे लिए समय से मालूम नहीं था ये तो हाँ ये चेहरा देख के समझ में आ गया वन लेक्चर तो देखो फिर से 2.5 लेक्चर कैसे होगा 2.5 पॉइंट व्यूज कैसे होंगे वन व्यू तो सामने है आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा वेबसाइट पे आपका एक लॉग क्रिएट होगा हमारी वेबसाइट पर ठीक है जैसे जैसे मैं लेक्चर लेते जाऊंगा अगले दिन सुबह तक लेक्चर अपलोड होगा हमारे वेबसाइट पर आपके लॉग में लिंक पड़ी होगी आप लिंक को क्लिक करेंगे नेक्स्ट डे आपको लेक्चर दिख जाएगा पर वो इनक्रिप्टेड लेक्चर होगा तो आपको सीरियल की भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट वो 2.5 पॉइंट फाइव यू उसी के लिए बोल रहा हूं आप घर पे बैठ के उसको डाउनलोड करोगे सिस्टम में इंस्टॉल करके चेक दे, देख लोगे बट इसका गलत फायदा मत उठाना गलत फायदा मतलब समझ गए है हाँ ना इसके कई सारे गलत फायदे हो सकते हैं पहला गलत फायदा चल भाई आ जा पैसे दे मेरे को मैंने फीस भरी तू फिफ्टी परसेंट मेरे को दे दे मैं तेरे को व्यू दे दे रहा हूं मैं तो ओपन बोल रहा हूं ये सब मत करना दूसरा गलत फायदा चलो आज मन नहीं कर रहा आज क्लास नहीं जाता व्यू तो मेरे पास रखा ही है मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा ये सबसे बड़ी गलती करोगे अगर ये कर लिया तो स्पेशली फेस टू फेस और ऑनलाइन वालों ने ठीक है अच्छा सर जो रिकॉर्डेड बैच देखेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट उसको तो ऑब्वियसली 1.5 व्यू ही मिलेगा क्योंकि उसने पहला जो लाइव व्यू था वो तो उसने ज्वाइन नहीं किया ऑब्वियसली ठीक है अच्छा जी तो ये मैंने आपको व्यूज के बारे में समझा दिया मुझे लगता है ये ये हम आपको व्यूज के बारे में मैंने आपको समझा दिया ठीक है अब मैं आता हूं की और Face -face वाले बच्चों के लिए का या फिर बाकी के जितने भी कोर्स होते हैं हम आपको अपनी तरफ से सिक्स प्लस सिक्स मंथस की वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे सिक्स प्लस मतलब ट्वेल्व मंथ की वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे कितनी वैलिडिटी होगी सिक्स प्लस सिक्स मंथ्स। वैलिडिटी सर सिक्स प्लस सिक्स क्यों है 12 क्यों नहीं है जब आप फर्स्ट टाइम सीरियल की को इंस्टॉल करोगे उस दिन से वैलिडिटी काउंट होती है जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन से नहीं जिस दिन आपने सिस्टम पे लेक्चर इंस्टॉल किया सीरियल की इंस्टॉल की वहां से लेकर छह महीने मान लीजिए किसी कारण से छह महीने में आपका कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया आपने आपने लेक्चर्स को वॉच नहीं कर पाए ठीक है ना अब ऑब्वियसली बहुत ही ऐसे कम स्टूडेंट्स होंगे जो छह महीने में कंप्लीट नहीं करेंगे वो बेवकूफी वाली होगी या जिसके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जो अनअवॉइडेबल थी तो आप अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे हमें मेल करेंगे इवन डायरेक्ट फैकल्टी को ऐसा नहीं कि सर उसका प्रोसीजर क्या होगा उसको मेरे को, मेरे को को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं सीधा फैकल्टी को आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप मेरे व्यू मेरे वैलिडिटी खत्म हो गई है छह महीने की एक्सटेंड करवा दो आपसे कोई इफ एंड बट नहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट छह महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे दी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट मतलब कुल मिला आपको सिक्स प्लस सिक्स मंथ्स की मतलब ट्वेल्व मंथ्स की वैलिडिटी प्रोवाइड किए जा रही है व्यूज के बारे में मैंने आपको बता दिया यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का यह सवाल हो सकता है यूट्यूब पे हो सकता है पूछे या बाद में पूछे कि सर अनलिमिटेड वैलिडिटी दे दो अनलिमिटेड वैलिडिटी कोई मतलब नहीं है कोई सेंस नहीं है अनलिमिटेड वैलिडिटी के पीछे एक कैच है जिसको शायद तुम लोगों ने पकड़ा ही नहीं अनलिमिटेड वैलिडिटी में तुम लोगों को दे तो दूं कि हां जब बन देख लेना दो साल बाद तीन साल बाद पर अगर व्यूज ही नहीं बचेंगे तो वैलिडिटी किस काम की अगर एक बार लेक्चर देख चुके होंगे या 1.5 पॉइंट व्यूज खत्म हो चुके होंगे और वैलिडिटी तुम्हारे पास अनलिमिटेड है तीन साल बाद भी तुम देख सकते हो पर व्यूज ही नहीं होंगे तो वो अनलिमिटेड वैलिडिटी के नाम पर जो दो ढाई हजार तुम पे करोगे उसके क्या मतलब कोई सेंस नहीं है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एक सीए स्टूडेंट क्या चाहता है जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करूं पास हो फाइनल में जाऊं कि वो ये चाहता है कि नहीं 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 पैसे दिए तो चार साल तक देखूंगा ऐसा चाहता है क्या चलो एक स्टूडेंट जेन्युनली अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो गई कि घर पे तबियत किसी की खराब उसकी खुद की खराब ऐसी प्रो... वो प्रॉब्लम कब तक चलेगी छ महीने और छह महीने साल में कभी तो उसकी प्रॉब्लम ठीक होगी चलो पूरे साल भर प्रॉब्लम रही मैं आपको वी स्मार्ट ने यह बोल दिया है कि 12 महीने के बाद भी अगर किसी को जरूरत पड़ेगी जेन्युन रीजन होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सटेंड कर देंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपके पास व्यूज बचे होने चाहिए पर अगर व्यूज ही नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं है द पॉइंट इज कि अनलिमिटेड वैलिडिटी का कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको बस मैं समझाना चाह रहा था कि अनलिमिटेड वैलिडिटी तो है होती होत, होती होगी पर व्यूज कभी अनलिमिटेड नहीं होते व्यूज एक बार खत्म हो जाए आपके चार महीने में तो आपके रिमेनिंग का कोई सेंस नहीं है ठीक है सर अगर फेस टू फेस ज्वाइन करना है तो कब ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे बच्चा पूछ रहा है मनीष भाई अगर फेस टू फेस ज्वाइन करना है तो अगर आप आ सकते हो पुणे तो आप विदिन अ वीक आ जाओ क्योंकि विदिन अ वीक तक मैनेजेबल है फ्रेंकली स्पीकिंग विद इन वीक तक सिचुएशन मैनेजेबल है सर क्या बीच में एंट्री पॉइंट दोगे क्या चलो मैं इस पर भी आता हूं सर क्या बीच में आप एंट्री पॉइंट दोगे क्या तो the point is कि entry point रखा जाएगा पर कोशिश करके अगर आप पहले ही आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि एंट्री पॉइंट मैं तो दे दूंगा कि हाँ इस चैप्टर से बैठ जाओ मान लो पंद्रह दिन बाद या दस बीस दिन बाद पर वो जो शुरू के पंद्रह दिन आपके जो निकल चुके होंगे उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी उसके लिए भी तो आपको कहीं कही ना कहीं टाइम तो निकालना है ना वो भी तो पंद्रह दिन आपको तो काउंट करने पड़ेंगे ना मेरा थोड़ी कुछ है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यस एंट्री पॉइंट देने में फैकल्टी को कोई दिक्कत नहीं है पर जो स्टार्टिंग की क्लासेस निकल चुकी होंगी वो आपको बैकअप के रूप में दे दी जाएंगी पर वो भी तो देखने के लिए आपको टाइम चाहिए ना चौबीस घंटे में ही तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि जितना जल्दी हो बच्चा ज्वाइन कर ले ठीक है ओके तो कोर्स वैलिडिटी एंड व्यूज मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा बैकअप मैंने आपको बता दिया बैकअप के केस में मैंने बोल दिया हंड्रेड परसेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट अब यहां पर ऑब्वियसली बैकअप का मतलब यहां पर फेस फेस टू के लिए ही है और लाइव वालों के लिए क्योंकि अगर कभी आपकी छुट्टी वी हो गई आपने बोला सर वो मेरा लेक्चर छूट गया मेरे को समझा दो बैठ के अब देखो टाइम की तो कमी तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है तो मुद्दा है कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले जाके घर पे सिंपल सी बात है ठीक है अच्छा मैं प्रैक्टिस सेशन पे और होमवर्क पे आने वाला था तो यह है यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेशन एंड होमवर्क हमारा प्रैक्टिस सेशन किस चीज को लेकर होगा उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी आपको पहली बुक मिलेगी वर्क बुक वर्क बुक क्या है जो क्लास में जहां से डिस्कशन होगा इस वर्क बुक के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे इस वर्क बुक के अंदर सारे क्वेश्चंस रहेंगे हंड्रेड परसेंट आईसीए के मॉड्यूल से कवरेज हंड्रेड परसेंट मतलब हंड्रेड परसेंट इस वर्क बुक के अंदर all concepts all ici material questions and some bahut hi kam but some acche level ke old syllabus ke questions old syllabus ke acche level ke questions इस वर्कबुक में यह वर्कबुक हमारी daily class में काम आएगी वर्कबुक के अलावा क्योंकि वर्कबुक में जितने भी questions रहेंगे उनके solution आपको वर्कबुक में नहीं मिलेंगे उनके सोल्यूशन के लिए आपको आंसर बुक अलग से दिया जाएगा सर ऐसा क्यों मेरा पर्सनली मानना है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बेटा क्वेश्चन सोल्व करके बताओ मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन है सोल्व करके बताओ या ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर और मुझे सोल्व करके बताना घर से लिख करके आना आप सॉल्व कर रहे हो जब बैठोगे ना देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है मेरे साथ भी होता था एज ए स्टूडेंट आपके साथ शायद होता होगा ह्यूमन है जब हम सोल्व करने बैठते हैं बुक हमारे सामने सोल्यूशन तो हम करने बैठते हैं न, हमारी नजरें ना जाती है सोल्यूशन की तरफ अरे, देख लेता हूं एक बार। अरे एक चेक कर लेता हूं शुरुआत कैसे शुरुआत, शुरुआत मतलब हम अपने मन को मनाते हैं कि नहीं 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 पूरा थोड़ी देख रहा हूँ देख रहा हूँ कि शुरू कैसे किया होता है कि नहीं होता है इससे कॉन्फिडेंस की धज्जिया उड़ जाती है तो बस एक यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि ताकि बुक आपके सामने ना रहे आप जब क्वेश्चन सोल्व करो तो क्वेश्चन रहे सोल्यूशन ना रहे सोल्यूशन की बुक अलग से रहेगी वो पढ़ी रहे साइड में कम से कम हम ट्राई करके देखें सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप आंसर बुक निकाल लीजिए सिंपली अंडरस्टूड नॉट तो ये दो, दो बुक्स तो एक तरीके से वर्क बुक क्लास में आपको दिए जाएंगे ठीक है आगे किसी बच्चे ने पूछा है सर आप आईसीआई के मॉड्यूल से क्यों नहीं पढ़ाते पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आईसीआई मॉडल में पर मैं आईसीआई मॉड्यूल से इसलिए नहीं पढ़ाता उसके दो रीजन है पहला रीजन आईसीआई मॉडल ब्लैक एंड व्हाइट में होता है मैं अगर उसी चीज को कलर फॉर्म में आपको करके दे रहा हूं तो आपका क्या जा रहा है इसमें मेहनत तो मेरी लग रही है आपको कलर करके दे रहा हूं तो इसका मतलब आपका तो बल्कि और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो पॉइंट नंबर वन दूसरा मैंने आपको बोला कि आईसीआई मॉडल मैंने 100 परसेंट कवर किया पर मैंने ओल्ड सिलेबस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे दिए तो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन देने के लिए मुझे आपको सेपरेट शीट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो बेहतर है कि मैं अपनी बुक क्यों बना लू सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो ये दो रीजन के कारण मैं आईसीआई के मॉड्यूल से डायरेक्ट नहीं पढ़ाता हूं बट कोई भी स्टूडेंट अगर ये चेक करना चाहता है कि सर ने आईसीआई मॉडल कवर किया है कि नहीं तो वो चेक कर सकता है सिंपल जो तीसरा बुक आपको मिलेगा जो तीसरा बुक आपको मिलेगा यहां में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मेरी ली थी, आपने बताया था आपने ली थी ओके okay. और कोई नहीं थे तुम थे बस बाकी नहीं थे तुम लोग गलत किया नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो आपको मिलेगी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सेपरेट बुक इस बुक में ए एस रहेंगे एस इस वाली बुक में नहीं रहेंगे इस बुक में सिर्फ चैप्टर्स रहेंगे ए एस के लिए आपको एक सेपरेट बुक मिलेगी ये एक मल्टी कलर बुक होगी सर आईसी मॉड्यूल से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो क्योंकि मैंने यहां पर ए एस को सिंपलीफाइड लैंग्वेज में डाला है ताकि बच्चा एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करे तो उसको अच्छी लैंग्वेज में समझ में आए जिसके पास अकाउंट जो मेरे अकाउंट्स का बच्चा होगा जिसने टर्म देखी होगी वो शायद मेरे बोले बिना समझ जाएगा कि हाँ सर इस बुक का क्या रेलिवेंस है यूट्यूब पर भी मुझे बता सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूं उसकी बुक का क्या इतना इंपॉर्टेंस है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी बुक बनाई गई है बस इतना बोलूंगा तो इस बुक में भी सेम 100% परसेंट कवरेज फ्रॉम आईसीए मटेरियल, कवरेज ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज कवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम रिविजन और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखा है ठीक है तो एस हम इस बुक से पढ़ेंगे मैं जब प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहा था मैं प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहा था इस बुक को लेकर यह आपको एक एक्स्ट्रा कंपाइलर दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर इस बुक में आप पढ़ सकते हो कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा है पढ़िए क्या लिखा है कंपाइलेशन ऑफ एक्स्ट्रा एप्रोक्स 300 हंड्रेड क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट एग्जाम पेपर आर एमटीपी एम टी पी एंड ओल्ड सिलेबस कवरेज ऑफ फुल कोर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिसेंट चेंजेस मेड बाई आईसीआई आप सब जानते हो आईसीआई ने अपने न्यू मॉडल निकाल लिए आईसीआई ने रिसेंटली अपने मॉड्यूल्स में एडिशन किए हैं बहुत सारे चैप्टर्स में उन्होंने कुछ पैराग्राफ्स डिलीट किए हैं कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है क्वेश्चन डिलीट नहीं किए मतलब क्वेश्चन ऐड ही किए हैं तो मैंने वो वाले क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक दो महीने पहले की बात है वो क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए तो इसका मतलब हंड्रेड कवरेज रहेगा प्रैक्टिस सेशन इस चीज की, की जाएगी प्रैक्टिस सेशन इस चीज का किया जाएगा ठीक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बुक के बारे में कोई जानता है चार्ट बुक अभी ये चार्ट बुक क्या है चार्ट बुक बेसिकली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को मैंने चार्ट फॉर्म में कवर किया है ये आपको एग्जाम डेज में बहुत काम आने वाले आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपको लग रहा है यार मैं अकाउंटिंग हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सिर्फ दस दस मिनट में देखना चाहता हूं पंद्रह पंद्रह मिनट में देख के जाना चाहता हूं विश्वास मानिएगा इस बार जब पेपर हुआ या जब भी एग्जाम होता है बच्चों को बहुत ये बुक काम आई बहुत काम आई एग्जाम देने के जस्ट बाद मुझे बच्चों के कई सारे मैसेजेस आए कि सर चार्ट बुक इज अ सेवियर अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना बच्चे ने बोला चार्ट बुक इज सेवियर मतलब क्या कि कम टाइम में सर चार्ट बुक से सारे अकाउंटिंग करके चले गए मार्क्स तो कवर हो गया ना सर तो आपको ये चार्ट बुक बहुत काम आएगी तो कुल मिला आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा गाइज अंडरस्टूड और नॉट तो मैं प्रैक्टिस सेशन पे बात कर रहा था प्रैक्टिस सेशन हमारा होगा क्वेश्चन कंपाइलर से बेटा होमवर्क की जिम्मेदारी तुम्हारी है मैं आपको पहले ही बता रहा उससे बातें छुपाऊं मैं आपको सच्ची मुच्ची बताऊं मैं लिटरली बता बोल रहा हूं पहले दिन ही बोल रहा हूं स्ट्रिक्ट आप चाहे क्लासेस मेरी अटेंड करें चाहे ना करें होमवर्क जो दिया जाएगा वो आपको करना ही पड़ेगा हां मैं हूं डिस्कस करने के लिए आपको कोई डाउट होता है तो मैं बैठा हूं बट आप यह बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा कि होमवर्क दिया है मैं नहीं भी करके जाऊंगा या नहीं करके जाऊंगी तो अगले दिन तो सर से मैं बोल दूंगी सर आप यह करवा लो और बाकी क्लास बोलेगी कि नहीं सर हो गया तो भी सर करवा लेंगे ऐसा नहीं होने वाला होमवर्क मतलब होमवर्क है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको होमवर्क में अगर डाउट आया तो उसका सोल्यूशन आंसर बुक में दिया होगा आंसर बुक में अगर सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा या नहीं दिया हुआ तो मैं बैठा हूं आप क्लास में उससे डायरेक्ट उस होमवर्क के होमवर्क वाले क्वेश्चन का पॉइंट पूछ सकते हो कि सर ये पॉइंट समझा दो सर ये फिगर नहीं समझ में आया सर ये सॉल्व करके दो सर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई ये सॉल्व करके दो ये पॉइंट का इंटरप्रिटेशन बता देकर मैं सब कुछ करने को रेडी हूं पर पूरा सॉल्यूशन आपको पहले एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आई बात समझ में कि नहीं मैं आपको बता देता हूं कि मैंने बुक कैसे बनाई है जो वर्क बुक की बात चल रही है मैं आपको बता देता हूं कोई भी एक चैप्टर देखकर ये जैसे चैप्टर है हमारा बाय बैक ऐसे ही बता रहा हूं अभी ये चैप्टर शुरू नहीं करने वाले अपन ये चैप्टर है बाय बैक अब ये चैप्टर के नोट सामने आ गए आपको ठीक है ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट जहां से हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे जर्नल एंट्रीज उस चैप्टर के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज फिर सामने नोट्स सा आ गए उसके बाद क्या हेडिंग आ रही है क्या हेडिंग आ रही है जल्दी बोलो क्लास प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ मेरी रिस्पांसिबिलिटी और आपकी दोनों की मिली हुई इक्वल रिस्पांसिबिलिटी क्लास प्रैक्टिस मतलब ये क्वेश्चन तो क्लास में ही होंगे ठीक है क्लास प्रैक्टिस के क्वेश्चन हुए हुए, हुए 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 उसके बाद क्या लिखा है सीधा इस बार मैंने बुक में ही मैंने डाल दिया कि भाई ये क्वेश्चन तेरे ये क्वेश्चन मेरे बात खत्म सिंपल सी बात है भाई <laughs> मतलब पहले से ही बता दो बच्चे को कि हां ये होमवर्क क्वेश्चन है मुझसे मत पूछना कि सर कल का होमवर्क क्या है घंटा तुम्हें पता है होमवर्क क्या है तुम आज कुछ कॉन्सेप्ट हुआ मैंने समझाया क्लास में प्रैक्टिस करवाई घर पे जाओ खुद ही देखो कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या करना शुरू करो मैं होमवर्क अलग से दूंगा नहीं होमवर्क दे रखा है पहले से ही समझ आया कि नहीं मैं स्ट्रिक्ट नोट पर बोल रहा हूं अगर मैं किसी क्लास में आपको होमवर्क देना भूल जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका होमवर्क नहीं था मैं अगली क्लास में आपसे पूछ सकता हूं कि कितने कितने क्वेश्चन आपसे ट्राई हो चुके हैं और किस किस को डाउट है और जहां मैक्सिमम बच्चों ने यह बोल दिया कि सर अभी नहीं किया अभी नहीं किया तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा यही आपका टेस्टिंग होगा कि देखूंगे लोग कब मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं और अगर आपने मुझे लेट रिस्पॉन्ड किया तो ये आपको लेट होगा तो इसीलिए आपका कंपटीशन आपके आसपास ही है आप जल्दी करके आओगे जल्दी डाउट पूछोगे आपका फायदा आपके लिए होगा तो होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे ये ध्यान रखिएगा हाँ क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा है होमवर्क क्वेश्चन कम है जो मैं रेशियो बता दूं तो रेशियो ये मान लीजिए टू एस टू वन का रेशियो है टेंटेटिव रेशियो टू एस टू वन का है अगर दो क्वेश्चन मैंने क्लास क्लास प्रैक्टिस में करवाए तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का रहेगा ठीक है इस तरीके से रहेगा कोई और पूछ रहा है क्या कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है हाँ अब क्या जो मुझे अकाउंट्स के बारे में आपको बताना था एक इंट्रो देना था मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं चीजें मैनेज मुझे लगता है मैनेजेबल हैं, बट फिर भी आई टेक फाइव मिनट्स मैं चुप रहूंगा या मैं आपको टाइम दूंगा और आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है दिस इज द फर्स्ट क्लास यू वॉन्ट टू समथिंग आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज नहीं बताई हो या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपसे आपसे आपको पूछनी हो तो आप पूछिए जो बच्चे मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि सर कैसे होगा क्या होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो बताओ पूछ पूछ पूछना तू पूछना तू उसकी स्टूडेंट है पूछ ले बताओ <laughs> क्या हुआ पूछो ना बेटा दिक्कत क्या पैसे दे रहे तो मिल जाएंगी <laughs> तो प्रॉपर बुक्स, बुक्स का ये है कि परसों तक हमारी बुक्स यहां पर आ चुकी होंगी और जो मैंने आपको अभी नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो दो चैप्टर्स किए हैं एक तो शेड्यूल थ्री और इसके बाद बाईब तो ये दो चैप्टर हमारे कम से कम चार दिन पांच दिन चलेंगे तो तब तक आपके पास बुक्स आ चुकी होंगी है ना हार्डली दो दिन का गैप रहेगा उसका भी रीजन बता देता हूं चार्ट बुक ऑलरेडी रेडी है क्वेश्चन बैंक कंपाइलर रेडी है ट्रम्प रेडी है पर जो वर्क बुक है और आंसर बुक है वो आज प्रिंटिंग पे गई है तो उसमें दो दिन लगेंगे कुल मिला के ठीक है क्लास का टाइमिंग क्या है सर मंडे टू फ्राइडे नहीं हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया तुमने तो पूछा ही नहीं कि सर संडे को क्या होगा हाँ अच्छा तुम बताओ क्या होना चाहिए क्लास होना चाहिए अच्छा कुछ बच्चों तो ऐसे सर सर ना हम ना अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं पता है आप जवाब क्या देने वाले हो कि संडे को तो आप लोगे ही लोगे तो सर हम क्या ही बोले ना पर मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर भी आपकी अपेक्षाएं क्या है वैसे मैं आपको बता दू मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा आंसर तो तुम समझ रहे हो कि संडे को तो वैसे भी रहेगी थोड़ा सा डिफरेंट है अच्छा संडे को एक्स्ट्रा रहेगी ऐसा नहीं चलो वो भी नहीं देखो साहब ऐसा है कि आप ये मान के चलना कि हमारी मिनिमम सिक्स डेज इन अ वीक या मैक्सिमम सेवन डेज इन अ वीक तो क्लास होगी होगी बट यस कभी कभार छुट्टी होगी बट अब मेरा जवाब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है शायद कभी कभार ऐसा सिचुएशन आए कि मैं संडे को छुट्टी न रख के मैं किसी वर्किंग डे पे छुट्टी रखू बीवी बच्चे वाला आदमी हूं बच्चा तो 40 दिन पहले हुआ है ठीक है नया नया हुआ है नया नया बाप बनाऊं तो क्या रिस्पांसिबिलिटी अब समझ में आ रही है कि नए बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है तो मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट बोलूं तो संडे को वैसे छुट्टी नहीं होगी पर अगर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे वेन्सडे को छुट्टी करनी है क्योंकि रीजन है मुझे डॉक्टर के पास जाना है मेरे बेबी का कुछ हुआ मुझे उसको लेके जाना है या कुछ प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं संडे को क्लास लूंगा और फिर मैं वेन्सडे को छुट्टी कर मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मतलब मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं कि संडे विल नॉट बी ऑलवेज अ हॉलीडे हॉलीडे कैन बी एनी एनी डे अंडरस्टूड नॉट कभी ऐसा भी होगा कि मुझे लगा कि यार लगातार दस दिन हो गए अब हॉलीडे बनता है तो वो जो भी वर्किंग डे आया अपन हॉलीडे कर देंगे बट संडे इज नॉट ऑलवेज हॉलीडे समझ आई बात नहीं क्योंकि वो मुझे देखो क्या हुआ है ये तो बात सबके साथ हुई होगी दो साल में दो साल बोलेंगे या दो साल होने वाले तीन महीने बाद कोरोना को दो साल हो जाएंगे ठीक है इस एक साल नौ महीने में हम सबकी लाइफ बदल गई है यार ये सबको मानना पड़ेगा हम सबकी लाइफ इतनी खतरनाक तरीके से बदल गई है कि मतलब मेरे साथ तो करंट सिचुएशन ये होती है कि संडे कब है और ट्यूसडे कब है पता ही नहीं चलता होता है कि नहीं ये बस यही पॉइंट है तो लाइफस्टाइल इतनी गंदी लाइफस्टाइल हो गई इतनी अजीब लाइफस्टाइल हो गई कि ना अब समझ ही नहीं आता कि क्या संडे क्या सैटरडे क्या ट्यूसडे तो उसको वापस से रूटीन पे लाने के लिए मुझे टाइम लगेगा मुझे लगता है आपको भी टाइम लगेगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम ना फ्लेक्सिबल रहेंगे नॉट नेसेसरी कि संडे छुट्टी हो कभी भी छुट्टी हो सकती है ऐसा रहा ठीक है चलो यह भी बात सही है चलो और कोई अगर किसी को कुछ पूछ पूछ पूछना हो तो आपने पूछ लिया बुक्स कब मिलेंगी और यहां पर पूछ लिया कि सर सब संडे रहेगा कि नहीं तो संडे रह सकता है क्लास और किसी को कुछ कुछ कोर्स को लेकर कोई कोई मन में कुछ प्रॉब्लम मन में कोई डाउट हां बैठ के बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं मास्क उतार के ना यार आप डायरेक्ट एंट्री है क्या हाँ? डायरेक्ट एंट्री फर्स्ट ग्रुप आपने नहीं किया तो फर्स्ट ग्रुप भी साथ में कर रहे हो क्या अच्छा तो मैं एक मिनट आपसे पूछना चाहूंगा अटेम्प्ट कब है नवंबर ट्वेंटी टू ठीक है तो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए मेरा छोटा सा एक ओपिनियन क्या रहेगा मैं आपको बता दूं एज फार एस अकाउंट एंड एडवांस अकाउंट इज कंसर्न नथिंग टू वरी मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं नथिंग टू वरी आप पहले अकाउंट्स करो चाहे आप पहले एडवांस अकाउंट्स करो नथिंग टू वरी हाँ थोड़ा आपको फील आएगा जब आप एडवांस अकाउंट्स पहले करोगे और अकाउंट्स आपने नहीं किया होगा तो हल्का फील आएगा मैं क्यों झूठ बोलूं पर हल्का फील आएगा कि हाँ बैलेंस शीट के बेसिक चीजें की यार, असेट किस किस पी और ये सब, थोड़ा बहुत फील आएगा बट मेहनत करोगे वाक में फेस टू फेस के लिए अगर आए हो और अगर अकाउंट्स कहीं और फेस टू फेस नहीं मिल रहा तुम सोच रहे हो कि एडवांस अकाउंट्स कर लेता हूं मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी फ्रेंकली एज फार एज अदर सब्जेक्ट आई एम रियली नॉट श्योर इफ यू आर प्लानिंग फॉर नवंबर तो मैं बोलूंगा कि तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम फेस टू फेस भी मुझे नहीं पता कि तुमने पूरा ग्रुप फेस टू फेस लगाया या क्या लगाया अगर ग्रुप नहीं लगाया अगर एडवांस अकाउंट लगा रहे हो या सिलेक्टेड लगा रहे हो तो सिलेक्टेड ग्रुप वन के सब्जेक्ट को भी उठा लो साथ में ऐसा मेरा एक ओपिनियन रहेगा पर अभी तो शायद आप ग्रुप टू पहले दे दो या ग्रुप वन पहले दे दो तो, अब तो चलता है है ना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आईसीआई ने तो बोला कि ग्रुप टू अगर पहले देना तो ग्रुप टू पहले दे दो ठीक है एज फार एज अकाउंट एडवांस अकाउंट्स इज कंसर्न ज्यादा तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं थोड़ा मेहनत आपको खुद से ज्यादा करनी पड़ेगी ठीक है सर YouTube कितने डेमो होंगे YouTube पे आप मान लीजिए पांच से छह होंगे और उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे मैं ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूं उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे हमारे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर ठीक है लाइव स्ट्रीमिंग बैच कैसे करेंगे जब आप ये लेक्चर्स परचेज करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग का एक ऑप्शन आपको आपके लॉग में मिलेगा आपको समझाया जाएगा उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा और लाइव स्ट्रीमिंग आप आराम से अपने फोन पे या फिर आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके हमारा सॉफ्टवेयर आराम से देख पाओगे दैट्स इट और कुछ पूछना है क्या आपको कुछ और पूछना है क्या सर डिस्काउंट कितना दोगे हाँ? अच्छा भर दिए फिर ठीक है ये अच्छा है चलो हाँ हाँ बैकअप के लिए भी सेम सॉफ्टवेयर लगेगा सॉफ्टवेयर इन द सेंस सिंपल सी बात है क्या होगा आज मैंने क्लास पढ़ाई ठीक है आज का लेक्चर अगले दिन सुबह तक हम अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं इनक्रिप्ट करके स्टार्टिंग के लेक्चर सर्वर पे नहीं होंगे वो ओपन होंगे अब आपको बैकअप के लिए क्या करना पड़ेगा या तो आपके पास विंडोज का लैपटॉप होना चाहिए या तो आपके पास एंड्रॉयड का फोन होना चाहिए एंड्रॉयड का फोन है तो भी चलेगा बैकअप के लिए यह होगा कि आपके विंडोज लैपटॉप में या फिर आपके एंड्रॉयड डिवाइस में हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है आपका नाम वो सब दुनिया भर की चीजें फिर आपके सामने लिंक ऑफ लेक्चर्स आ जाएंगे क्लासेस आ जाएंगी आप जैसे ही क्लिक करोगे इंस्टॉल होने के बाद तो क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी बहुत ही ईजी तरीका हुँ. आपको वन टाइम इंस्टॉलेशन करना होगा सिंपल ठीक है हंड्रेड परसेंट बैकअप इज फॉर ऑल सी ए इंटर के ग्रुप टू सब्जेक्ट वी स्मार्ट के सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम प्रोसीजर होता है सेम प्रोसीजर सिंपल ठीक है और कोई पक्का कुछ पूछना चाहते हो ठीक है सर डाउट कैसे पूछे ये आपने नहीं पूछा एक बच्चे ने पूछा और बहुत अच्छा चीज पूछा उन्होंने सर डाउट कैसे पूछे आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है मेरा नंबर ओ भाई स्क्रीन आगे भी रहती है तो पीछे क्यों दिख रहा है हालांकि लेवल है तेरा <laughs> तू कल को बोलेगा सर कुर्सी दे तो मैं ऐसे करके भी देखूंगा <laughs> <laughs> तेरे सामने बोला ना मैंने मेरे सामने मेरा दिख रहा है तेरे सामने तेरा दिख रहा है <laughs> अच्छा ठंड लग रही है ज्यादा इसलिए दिमाग चलना बंद हो गया है <laughs> हा तो सर डाउट कैसे पूछे एक तो आपको जो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं इसको पर्सनली हैंडल करता हूं ये नंबर पे मैं आपके डाउट्स एंटरटेन करता हूं मैं आपको पूरा डाउट्स का तरीका बता रहा हूं ये नंबर पे मैं आपको आपके डाउट्स एंटरटेन करवाऊंगा पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर टू हमारी डाउट सॉल्विंग की ऐप भी अब बन चुकी है यस yes. तो आपसे आपके फोन पे ऐप इंस्टॉल करवाई जाएगी सभी स्टूडेंट से क्योंकि आपका हमारे हमारे वी स्पार्ट वेब पैसे भी आप, आपको लॉग इन करवाया जाएगा तो आपके लॉग इन में आपको ऐप आप मिल जाएगा उस ऐप में भी आप डाउट पूछ सकते हो उस ऐप में डाउट पूछने पर आंसर कौन करेगा जय सर करेंगे कि जय सर के असिस्टेंट करेंगे तो मिलकर करेंगे फ्रेंकली स्पीकिंग तरीका यह होगा कि अगर बहुत ही इजी वाला डाउट हुआ तो असिस्टेंट करेगा बहुत ही इजी डाउट नहीं हुआ असिस्टेंट जय सर को वो वाला डाउट फॉरवर्ड कर देगा और ऐप में ही मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा उस ऐप में आप डाउट जब पूछोगे तो आप अपना वॉइस नोट भी डाल सकते हो आप कोई फोटो अटैच कर सकते हो ठीक है और उसमें सभी चीजें जो व्हाट्सएप पे होती है वो सब हो सकती हैं तो मैं भी आपको रिप्लाई वॉइस नोट पे दे सकता हूं टेक्स्ट मैसेज पे दे सकता हूं फोटो लगा के दे सकता हूं वैसे होगा तीसरा एक और तरीका है डाउट पूछने का मैंने बोला ना बीवी बच्चे वाला आदमी हूं कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है देखिए मैं आपको सब क्लियर कर रहा हूं देखिए फैकल्टी भी इंसान है हर टाइम पे वो फोन पे फ्री डाउट्स के लिए फ्री नहीं हो सकता फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने स्पेशली दो लोगों को हायर किया है जो सी इंटर क्लियर हो चुके हैं और जो अभी सी फाइनल में मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे असिस्टेंट हैं जो मेरे बुक्स पे भी काम करते हैं और जो डाउट सॉल्विंग के लिए मेरी हेल्प करते हैं ऐप पे वो वो लोग रहेंगे और मैं रहूंगा व्हाट्सएप पे भी कभी कभार ऐसा होगा कि मैं हो सकता है आपको लगातार दो दो तीन तीन दिन तक रिप्लाई नहीं कर पाया हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कोशिश होगी कि आपको 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाए बट अगर मैंने आपको 24 घंटे में रिप्लाई नहीं किया या 36 घंटे में रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपको दो नंबर और प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप वाले दो और नंबर व्हाट्सएप वाले प्रोवाइड करूंगा स्पेशली जो मेरे असिस्टेंट हैं आप अगर मुझसे आउट नहीं पूछ पा रहे हो तो आप डायरेक्ट उनसे भी पूछ सकते हो इट इज इक्विवेलेंट कि आपने जय सर से पूछा क्योंकि वो मेरे टीम के मेंबर है वो किसी और लोगों के डाउट सॉल्व नहीं करते वो डेडिकेटेड जय सर के स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे और उनको स्पेशली बोला जाता है कि आप YouTube स्टूडेंट के भी डाउट सॉल्व ना करें आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट के ही डाउट सॉल्व करें YouTube स्टूडेंट के डाउट मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं आई नो हाउ टू हैंडल देम ठीक है चलो तो अच्छा इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा ग्रुप की जरूरत पड़ेगी हम आगे चल के बनाएंगे फिलहाल अगर हमें कम्युनिकेशन करना होगा तो हम टेलीग्राम पे कम्युनिकेशन करेंगे हमारा एक टेलीग्राम का चैनल होगा और ग्रुप होगा हम टेलीग्राम पे करेंगे अभी फोन उठाने की जरूरत नहीं अभी कुछ भी नहीं है जब मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा तब आप ज्वाइन कर लेना ठीक है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी लिंक और चैनल का नाम ठीक है चल अब मुद्दे पे आते हैं आपको कोई और डाउट पूछना नहीं है मेरे हिसाब से यूट्यूब स्टूडेंट्स भी डाउट पूछ चुके हैं ठंड लग रही है मेरे को गर्मी लग रही है एक्चुअली पांच मिनट वापस वापस से चालू करूंगा <laughs> <laughs> ज्यादा लाडवे नहीं आने का <laughs> मतलब अपन मैनेज करके चलेंगे पांच पांच मिनट ठीक है <laughs> चलो हाँ जी सबसे पहले जब भी मैं अकाउंट्स पढ़ पढ़ाना शुरू एडवांस अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं हमेशा शेड्यूल थ्री पर ही स्टार्ट करता हूं मैं जब भी अकाउंट्स भी पढ़ाना शुरू करता हूं ग्रुप वन तो भी मैं शेड्यूल थ्री ही पढ़ाता हूं मैं तो भी शेड्यूल थ्री पढ़ाता हूं चाहे मैं अकाउंट्स पढ़ाऊं चाहे मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाऊं क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि जो ये शेड्यूल थ्री है जिसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पी एंडल का फॉर्मेट ये किसी भी एक सीए इंटर के स्टूडेंट को आना अनिवार्य है जरूरी है हम बेवकूफ माने जाएंगे अगर हमसे कोई पूछ ले या हमें अगर पता ना हो कि शेड्यूल थ्री क्या है या शेड्यूल थ्री में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें कौन सी चीजें पहले आती हैं बाद में आती हैं अगर हमें नहीं पता होगा तो ये हम बेवकूफ है और कोई नहीं है तो पर्सनली आई बिलीव कि जैसे एक छोटे स्टूडेंट को एबीसीडी आता है हर बच्चे को एबीसीडी पता होता है तो वैसे ही मुझे लगता है कि अकाउंट्स की शुरुआत हमेशा शेड्यूल थ्री से होती है क्योंकि उसमें आपको बैलेंस शीट और पी एंड एल के बारे में जान सकते हो आप सो आई विल टेक सम टाइम ऑन शेड्यूल शेड्यूल बट मैं मैंने जैसा आपको बताया अकाउंट्स में शेड्यूल थ्री जब मैं पढ़ाता हूं तो छह सात सात क्लासेस लग जाती है मैं एडवांस अकाउंट्स में इतनी क्लासेस नहीं लूंगा क्योंकि हम ग्रुप वन से आ रहे हैं एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा कोप अप करना पड़ेगा ठीक है अच्छा शेड्यूल थ्री टू द कंपनीज दू थान डिविजन वन क्या है कंपनीज कंपनीज एक्ट एक्ट 2013 2013 में कई सारे शेड्यूल हैं शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री शेड्यूल फोर शेड्यूल फाइव शेड्यूल सिक्स शेड्यूल सेवन शेड्यूल थ्री बताता है कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी पी एंड एल कैसे बनाया जाएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पेंडल का फॉर्मेट क्या होगा शेड्यूल थ्री बताता है कि बैलेंस शीट पेंडल के अलावा कौन कौन से डिस्क्लोजर देना जरूरी है उसके पूरे जनरल इंस्ट्रक्शन एक शेड्यूल टू है किसी को पता है शेड्यूल टू कौन सी चीज के बारे में होता है शेड्यूल थ्री तो फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल थ्री मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल टू किसके बारे में होता है डेप्रिसिएशन के बारे में डेप्रिसिएशन के यूजफुल लाइफ और ये जो होता है ना उसके बारे में डेप्रिशन के बारे में शेड्यूल थ्रू शेड्यूल थ्री है ठीक है आपने ग्रुप वन में मैनेजरियल रेमुनरेशन करके कुछ सुना था पढ़ा था मैनेजरियल ये सब उसका भी शेड्यूल है अलग से बेसिकली कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है शेड्यूल टू अच्छा शेड्यूल टू में शेड्यूल टू में हम पढ़ रहे हैं डिवीजन वन शेड्यूल टू में तीन डिवीजन है डिवीजन वन डिवीजन टू डिवीजन थ्री सिर्फ सुनना है सच बताऊं नहीं लिखने की कोई जरूरत है सिर्फ नॉलेज की, बात है, लिखने की नहीं है सिंपल हाँ, सी बात है बट फिर भी बता रहा हूं सेपरेट कॉपी बना लेना एस के लिए सेपरेट कॉपी बनाना और चैप्टर्स के लिए अलग कॉपी बनाना चैप्टर्स के लिए अच्छी मोटी जाड़ी कॉपी बनाना ठीक है लगेगी अपने को हा तो शेड्यूल थ्री में तीन डिविजन होते हैं डिवीजन वन डिविजन टू डिविजन थ्री हम पढ़ रहे हैं डिवीजन वन हमारे सिलेबस में डिवीजन वन हमारे लिए जरूरी है डिवीजन टू डिवीजन थ्री जरूरी नहीं है क्या होता है डिवीजन वन टू थ्री डिवीजन वन मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ए एस को यूज करके बनाए जाते हैं जहां हमें ए एस अप्लाई करना पड़ता है ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए डिवीजन वन फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एस लगा रहे हो सर अगर मतलब क्यों ए एस तो हर कोई लगाएगा मैं आता हूं उस पर अगर आप एस लगा रहे हो अगर आपके ऊपर एस एप्लीकेबल है तो आपको बैलेंस शीट पेंडल बनाने के लिए डिवीजन वन की बातें माननी पड़ेंगी इतनी बातें समझ में आई बट अगर आप एस फॉलो नहीं कर रहे हो आप इंड एस फॉलो कर रहे हो इंड एस इंड ए एस अगर आप इंडेस फॉलो कर रहे हो तो इंडेस वाली कंपनीज के लिए शेड्यूल डिवीजन वन नहीं डिवीजन टू लगता है क्योंकि उनका बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है उनके लिए थोड़े से इंस्ट्रक्शन अलग है उनकी डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है तो कुछ कंपनीज के ऊपर क्या लगता है एस कुछ कंपनीज के ऊपर क्या लगता है इन्देस. तो जो कंपनी के ऊपर एस लगता है वो क्या फॉलो करती है डिवीजन वन जो कंपनीज के ऊपर इंडेस लगता है वो कंपनी क्या फॉलो करती है डिवीजन टू एक और होता है डिवीजन थ्री बैंकिंग कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल ठीक है आई बात समझ में यहां पर क्लियर है सबको अच्छा सर ए एस और इंडेस कौन कौन सी कंपनी फॉलो करती है शॉर्ट में सुन लो क्योंकि ये आपका पॉइंट ग्रुप वन के अकाउंट्स में आपका चैप्टर था जो कि कभी जिंदगी में पेपर में नहीं आता सिर्फ नॉलेज के लिए था इंडेस वो कंपनी फॉलो करती है जो या तो लिस्टेड कंपनी है पहला पॉइंट नंबर वन कौन सी कंपनी लिस्टेड कंपनी हमेशा क्या फॉलो करेगी ओ भाई तेरे को नींद आ रही है लिस्टेड कंपनी क्या फॉलो करेगी तेरे को तेरी इच्छा है तो तू पीछे बढ़ तू पीछे मुड़के पढ़ सकता है <laughs> हा? मेरी शक्ल अच्छी डायरेक्ट तेरे को नहीं अच्छी लग रही तो हाँ तो लिस्टेड कंपनी हमेशा क्या फॉलो करेगी इंडेस हमेशा हमेशा मतलब हमेशा एएस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं उनके है उनके बुक्स में ठीक है अब कौन सी कंपनी बची अनलिस्टेड और कंपनी के अलावा फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स प्रोपराइटरशिप फर्म्स ये भी तो बची तो प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप ये हमेशा ए हमेशा ए yes. अभी भी एक बच गया अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ ढाई सौ करोड़ टू फिफ्टी करोड़ क्या बोला मैंने टू फिफ्टी से पहले क्या नेटवर्थ टर्नओवर नहीं क्योंकि बहुत आगे चल के क्या होता है हम भूल जाते हैं हमारे दिमाग में ना खिचड़ी पक जाती होती है तो मैं आपसे पूछूंगा तो सर वो ओवर टू फिफ्टी टर्न ओवर नहीं नेटवर्थ नेटवर्थ जिसकी करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो वो भी इनडीएस ही फॉलो करती है तो इसका मतलब ए एस के लिए कौन कौन सी कंपनी हो गई प्रोपराइटरशिप -प्रो प्रो पार्टनरशिप पार्ट। 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 और अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ टू फिफ्टी से नीचे है आई बात समझ में कि नहीं तो वो कौन वो क्या फॉलो करते हैं एएस और एएस फॉलो करते तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस डिवीज़न के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा डिवीज़न में सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बस इतनी सी बात थी आपको समझना था क्लियर हुआ कि नहीं ये पेपर में नहीं आता कभी पर ये नॉलेज लायक -like जरूरी है ना कुछ चीजें बहुत जरूरी है सिर्फ नॉलेज के लिए अच्छा तो देखो यहां पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं एएस रूल्स के अकॉर्डिंग उनके लिए डिवीजन लगेगा आई बात में नहीं? अच्छा. इस शेड्यूल थ्री में डिवीजन वन में क्या क्या बताया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि बैलेंस शीट बनाने बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए फिर फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस बैलेंस शीट शीट का के जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं और फिर पी पीएंडल के फॉर्मेट दिए गए पी पीएनएल का फॉर्मेट दिया गया है ठीक है हम पहले थोड़ी सी शुरुआत करेंगे पी पीएनडल के फॉर्मेट से मैं मैं पी पीएंडल के फॉर्मेट से पहले शुरू करूंगा मैं बैलेंस शीट पे बाद में आऊंगा तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप निकाल लीजिए एंडल के फॉर्मेट अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा क्योंकि फेस -टू फेस टू वालों को तो मैंने नोट्स दिए हुए हैं तो अभी जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं या ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे जब तक अगर आपके पास अगर नोट्स नहीं होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं मैंने वहां डाल दिए नोट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो सी एंटर का स्पेशल है या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं और वहां से आप नोट्स ले सकते हैं ठीक है अच्छा मुद्दे पे आते तुम्हारे पांच मिनट ओवर हो गए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि चीजें बहुत सिंपल सिंपल चीजें बहुत ही इजी इजी है सबसे पहले हम पेंडल जब बनाते हैं तो हमें इनकम लिखनी पड़ती है पहले और बाद में क्या लिखना पड़ता है एक्सपेंस इनकम हमेशा दो टाइप की होती है एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक होता है अदर इनकम बस इतना ही होता है इनकम कितनी टाइप की होती है दो टाइप की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम अब आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में फर्क क्या है जो बिजनेस से आया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जो बिजनेस से नहीं आया क्या मिसलेनियस क्या सेल ऑफ़ फर्नीचर वगैरह इंटरेस्ट इनकम हमेशा इंटरेस्ट इनकम ठीक है बिल्कुल ठीक आपकी भावनाओं को मैं समझ गया हूं द पॉइंट इज कि अगर ऑर्डनरी बिजनेस एक्टिविटी करने से जो इनकम जनरेट होती है मैंने वर्ड बोला कौन सा वर्ड बोला वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना या अपने नोट्स के साथ साथ लिख देना क्योंकि देखो यहां आपको पकड़ना है जय सर को कि हाँ सर ने ऐसा कौन सा वर्ड बोला जो सारा लिखना जरूरी है वो वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि जब हमसे पूछा गया तो हमने यूज नहीं किया पर अगली बार हम जरूर यूज करेंगे इसको ऐसे आपको वर्डिंग पकड़नी है तो ऑर्डनरी बिजनेस एक्टिविटी ऑर्डनरी बिजनेस एक्टिविटी करने से जो भी आपको कैश का इन्फ्लो आता है या अक्रूवल इन्फ्लो आता है जो भी आपको इनकम जनरेट होती है कैश में या फिर अक्रूवल फॉर्म में वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा अब ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी में सेल ऑफ गुड्स एंड गुड्स हो सकता है सर्विसेज हो सकता है सर्विसेज। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी में तो इंटरेस्ट भी आ सकता है अगर किसी कंपनी का काम ही लोन देने का है फाइनेंसिंग करने का है तो जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है तो वो कहां जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम में क्या जाएगा अदर देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो जनरेट होगा अदर देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी आप अदर देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या हो सकता है अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी क्या हो सकता है मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं आप मुझे फीस दे रहे हो तो मेरा ये क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी की अदर देन ऑर्डिनरी तो जो फीस मुझे आपसे मिलेगी मैं कहां डालूंगा रेवेन्यू पर मैंने आपसे फीस लेकर एफ करवा दी बैंक में और बैंक में एफडी करवाई तो मुझे इंटरेस्ट मिला अब वो इंटरेस्ट मेरे लिए ऑर्डनरी बिजनेस एक्टिविटी है क्या नहीं तो वो मैं कहा डालूंगा हाँ अदर इनकम सिंपल आया समझ में कि नहीं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साइड में कुछ एएस के नाम लिखे हुए लिखे हुए हैं बोलो कौन कौन से ए एस ए एस नाइन और सेवन क्या होता है ए एस नाइन ए एस नाइन मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन ए एस नाइन का नाम क्या है थोड़ा तेज बोलो यार रेवेन्यू रिकॉग्निशन और ए एस सेवन का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड रेवेन्यू रेवेन्यू की बातें करते हैं किसकी बातें करते हैं

कोई नीड ही नहीं है कि अदर इनकम है तो कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी जब हमारी इनकम हो जाती है तो इनकम होने के बाद हमें पता होने चाहिए कि कौन, -कौन से, होते हैं। मैं आपको पता दू, पहले से ध्यान से देख लो ए बी सी डी ई एफ जी कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम गिन लो काम आएंगे आपको कितने आइटम है सेवन तो सेवन आइटम्स आते हैं एक्सपेंस में ये सेवन आइटम्स याद रखने पड़ेंगे पर वर्ड जैसे नंबर याद होगा ना कि सेवन तो याद अपने आप आ जाएगा नंबर याद होना चाहिए कि हाँ सात आइटम्स आते हैं चलो एक एक आइटम करके डिस्कस करते हैं पहला क्या है? आप थोड़ा तेज बोलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब ये बोल रहा है रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल परचेज माइनस रॉ मटेरियल क्लोजिंग इज इक्वल मटेरियल एरो रॉ मटेरियल नहीं कर रहा है ये समझानी है कि हाँ अच्छा ये इसके बारे में ऐसा ऐसा है इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये वर्ड किसके बारे में रॉमटर अच्छा एक बात बताओ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो, जो है ही नहीं जो रॉ मेटेरियल मटेरियल कोई मतलब रॉ मटेरियल किसके पास लगता है मैन्युफैक्चरिंग में ना डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि उसके लिए ये पहला वाला आइटम जीरो ऑब्वियसली yes. जीरो समझ में आएगी नहीं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिस इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल आगे बढ़े सेकेंड क्या बोलो परचेज ऑफ पूरा पढ़ो, परचेज ऑफ हाँ एक इतना ही बस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड अब ये कौन सी वाली कंपनी होगी ट्रेडिंग वाली मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए तो ऊपर आ गया ना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग थी तो ऊपर आपने क्या लिखा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसमें तीन चीजें थी क्या ओपनिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल का आ गया परचेज आ गया तो परचेज आ, तो आ गया ना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किसके अंदर आ गया मटेरियल कंज्यूम में आ गया कुछ बच्चे ये बोलते सर परचेज परचेज दो बार क्यों है नहीं पहले वाले में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया और दूसरा तो डायरेक्ट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ गया आया समझ में कि नहीं तो जहां आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है जहां आप डायरेक्ट गुड्स परचेस करके आगे बेचोगे तो ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में में लिखोगे समझ नहीं अच्छा अब इसको ऐसे याद रखो रॉ मटेरियल ओपनिंग भी हो गया क्लोजिंग भी हो गया परचेज भी हो गया बट फिनिश गुड्स और डब्ल्यू में सिर्फ परचेज हुआ है डब्ल्यू आईपी कभी परचेज होता ही नहीं है तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ओपनिंग का है फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग का है थर्ड पॉइंट जाइए क्या लिखा है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ये चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आया समझ में कि नहीं मुझे लगता है सारे प्रकार के स्टॉक कवर हो गए सारे प्रकार के स्टॉक में ओपनिंग भी कवर हो गए क्लोजिंग भी कवर हो गए परचेज भी कवर हो गए दिमाग लगाओ बेटा आ? इसका मतलब शुरू के तीन पॉइंट तो सिर्फ स्टॉक स्टॉक के बारे में थे यार बताओ पहला कौन सा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जिसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग और परचेस तीनों आ गए दूसरा कौन सा स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड्स मतलब और तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स डब्ल्यू अच्छा सर फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में क्या फर्क है क्योंकि दोनों वर्ड लिखे हैं तीसरे वाले पॉइंट में दोनों वर्ड लिखे हैं देखो सर फिनिश गुड्स भी लिखा है स्टॉक इन ट्रेड लिखा है सर, दोनों के लिखे हैं सर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप गुड्स को पहले रॉ मेटेरियल लाओगे मैन्युफैक्चर करोगे तो वो फिनिश गुड्स बनेगा ठीक है ना पर अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो आप डायरेक्ट स्टॉक लाओगे और बेचोगे तो आप जो स्टॉक लाओगे डायरेक्ट आप उसको फिनिश थोड़ी बोलोगे आप उसको बोलोगे स्टॉक इन ट्रेड तो ये वर्डिंग का खेल है अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्यूफेक्चर के लिए फिनिश गुड्स यूज होता है अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है अगर आप दोनों हो तो, तो दोनों चीजें अलग अलग, अलग आएंगी मैं कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर भी करता हूं और कुछ गुड्स का डायरेक्ट ट्रेडिंग करता हूं तो दोनों आएंगे यहां पर समझ आया कि नहीं हाँ तो तीन चीजें हो गई चौथी चीज क्या है ज्यादा उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस मतलब जितने भी सैलरी जितना भी सैलरी और इंसेंटिव uh, इंप्लॉइज को दिए गए जितने भी बेनिफिट होते हैं आई बात समझ में नहीं इसके साइड में आप लिख सकते हो ए एस फिफ्टीन इसके साइड में आप लिख सकते हो ए एस फिफ्टीन अच्छा ऊपर इन तीनों के लिए आप लिख सकते हो ए एस टू सही बोला मैंने ए एस टू ए एस टू का नाम क्या है

इसमें क्या होता होगा फाइनेंस कॉस्ट में डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंसर इंटरेस्ट पेड वेरी गुड मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स किसी भी प्रकार की बोरिंग्स बोरिंग Borrowing में तो सब कुछ आ गया डिवेंचर भी आ गए लोन भी आ गए सारे चीजें आ गए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वगैरह तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता होगा इंटरेस्ट एंड ये सब चीजें तो यहां पर आप इसके साइड में लिखो आपने पढ़ा है ये एस आपने ये एस पढ़ा हुआ होगा अगर आपने ग्रुप वन दिया है तो कॉस्ट, होरइंगस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट बोरइंगस्ट ए एस सिक्सटीन क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि नहीं कोई बच्चा बोल रहा है ए एस थर्टीन मोहित शर्मा नहीं बेटा ए एस थर्टीन नहीं एस थर्टीन का नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट वेरी गुड एस थर्टीन का नाम क्या है अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट है वो तो यार वो तो बैलेंस ना इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट तो अट हो गई ना बैलेंस शीट वाली चीज हम तो अभी क्या पढ़ रहे हैं है Next, है ना वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्या डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन किस पे लगता है पीपीई हा पीपी फिक्स डेप्रिसिएशन किस पे लगता है फिक्स अट yes, और किस पे लगता है टेंजेबल असेट के ऊपर आया समझ में नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे and and 26 क्यों लिखवाया? क्योंकि इन टेंजेबल के ऊपर होता है अमोटाइजेशन क्या होता है डेप्रिसिएशन जैसे आप डेप्रिशिएट करते हो असेट की वैल्यू को कम करते जाते हो अमोर्टाइजेशन मतलब इनटेंजेबल असेट की वैल्यू को कम करते जाते हैं समझ में आ है कि नहीं नेक्स्ट अदर एक्सपेंस अदर मतलब अदर ठीक है अदर एक्सपेंस जो भी ऊपर वाले आइटम्स को छोड़कर हो गए कोई एग्जाम्पल देगा अदर एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है रेंट पेड थोड़ा जल्दी बोलेंगे रेंट पेड कमीशन एडवर्टाइजिंग बिजनेस प्रमोशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरल ओवरहेड्स बोलो यार सिंपल क्लियर कितने आइटम्स एक्सपेंस में Seven. थोड़ा जल्दी बिना देखे जल्दी से जल्दी रिपीट करिए मेरे साथ बेड डेट्स वेरी गुड किसी ने बेड डेट्स बोला तो बेड डेट भी आएगा वेरी गुड हाँ जल्दी बोला सब मेरे साथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उसको अंदर उसके अंदर जाएंगे तो क्या होता होगा मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल ठीक है पहला आइटम हो गया दूसरा आइटम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तीसरा तीसरा आइटम चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ के कौन सी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड डब्ल्यू चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हाँ चौथा आइटम बेनिफिट एक्सपेंस पांचवा आइटम फाइनेंस कॉस्ट छठा आइटम डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन सातवा आइटम अदर एक्सपेंसेस। समझ आया कि नहीं अच्छा मुझे बताओ दो मिनट में जल्दी जल्दी बताना क्लोजिंग स्टॉक टेन लाख ओपनिंग स्टॉक एट लाख यहां क्या फिगर आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या फिगर आएगा ऑब्वियसली तो दस महीने साठ दो ही होता है टू लाख आएगा पर टू लाख यहां पर कैसे आएगा पॉजिटिव टू कि नेगेटिव टू ये क्वेश्चन है मेरा आपसे डिफरेंस डिफरेंस इन दोनों का टू लैख है मैं यहां पर टू लैख क्या लिखूं टू लैख डायरेक्ट ऐसा कि ब्रैकेट में ब्रैकेट में क्यों हां क्या बोल रहे हो बेटा इन्वेंट्री बढ़ रही है इन्वेंट्री बढ़ना मतलब इनकम सर, इनकम कैसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे टी शेप वाला आप ऐसा सोचो जब आप टी शेप वाला ट्रेडिंग बनाते थे तो ओपनिंग कहां लिखते हैं क्लोजिंग कहां लिखते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड ज्यादा है ना तो इसका मतलब अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो क्या है इनकम है पर आप उस इनकम को किस हेड में लिख रहे हो आप उस इनकम को किस हेड में लिख रहे हो तो अगर किसी इनकम को एक्सपेंस के अंदर डालोगे तो नेगेटिव करके लिखोगे ना नहीं आया समझ में हा? जैसे मान लो मैंने आपको बोला मैं ये थोड़ा मिटा दे रहा हूं मैंने आपको बोला कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल है मान लो मेरा 80 लैक्स का यहां मैंने 80 लिखा ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है मान लो मेरा हंड्रेड लैक्स का तो मैंने हंड्रेड लिखा चेंजेस इन इन्वेंट्री है मेरा टू का जो अभी हमने निकाला अभी हमने टू निकाला इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है मेरा मान लो पंद्रह लाख का तो मैंने फिफ्टीन लिखा फाइनेंस कॉस्ट है मेरा मान लो पच्चीस लाख का मैंने फिफ्टी फाइव लिखा डेप्रेशन पांच लाख का है अदर एक्सपेंस मेरे पचास लाख के देखा जाए तो मुझे इन सबको टोटल करके यहां पर टोटल लिखना पड़ेगा ना हा जब मैं इन सबको टोटल करूंगा तो इनमें एक ऐसा आइटम है जो एक्सपेंस नहीं है जो क्या है तो मुझे उसको ऐसे करना पड़ेगा ना तब जाके मेरा नेट एक्सपेंस आएगा ना नीचे भाई आया में कि नहीं आ? मैं क्या निकाल रहा हूं मैं यहां पर टोटल एक्सपेंस निकाल रहा हूं और ये जो दो लाख रुपए है ये क्या है ये मेरी इनकम है तो अगर ये मेरी इनकम है और मैं उसको एक्सपेंस वाले हेड में जाके लिख रहा हूं रजिया फजगई गई गुंडों में समझो ना यार एक इनकम जो एक्सपेंस में चला गया तो उसको कैसे लिखूंगा मुझे उसको उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा माइनस क्यों क्योंकि माइनस होना चाहिए, चाहिए। इसीलिए माइनस में लिख रहा आया हाँ फेस टू फेस में ये चीज का बहुत मजा है शक्ल देख के समझ में आता है हाँ क्या हो रहा है क्या चल रहा है ऑनलाइन में मैं पिछले डेढ़ साल से यह चीज मिस कर रहा हूं ठीक है क्लियर मतलब फेस टू फेस में तो बच्चे को मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है दस साल से पढ़ा रहा हूं शक्ल देख के समझ आता है कि हाँ इसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बेचारा समझ नहीं पा रहा है तो तू तो कुछ ना कुछ तो हल्का तेरा मन में कुछ हुआ शायद तेरे पक्का कहीं जाना तो नहीं है पांच मिनट हो गए ज्यादा हो गए क्या चलो एक्सपेंस क्लियर है सबको जल्दी बोलो yes, हाँ एक्सपेंस क्लियर है हाँ उसके बाद मेरे सामने जल्दी पढ़िए क्या लिखा है कौन सी चीज लिखी हुई है Profit. ये लिखिए है जल्दी 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 जल्द। आपको मैं इतनी जबरदस्त चीज बताने वाला हूं अभी पूरा पीएंडल जब कंप्लीट करेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार मतलब कहीं ना कहीं हमने दिमाग आज तक लगा ही नहीं है ज्यादा हमने डिटेल में पढ़ा ही नहीं है आपको भी रियलाइज रियलाइज होगा थोड़ा सा करके प्रॉफिट लॉस बिफोर बिफोर क्या लिखा है दो चीजों को छोड़कर आपने ऊपर सारी चीजें लिख दी है तभी वो बोल रहा है कि अब जो आपका आपके पास आया है वो क्या है प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी इसका मतलब अभी भी मैंने दो चीजें नहीं लिखी है वो दो चीजों के हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स और एक्सेप्शनल अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के बारे में एक्स्ट्रो आइटम को ए एस फाइव में डिफाइन किया गया ए एस फाइव हमारे एडवांस अकाउंट में है ठीक है ना अभी मैं उसके ऊपर डीप में नहीं जाऊंगा बस आपको सुनना है मन करे तो लिख लेना अपनी लैंग्वेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हो कितने पहला नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार, बार... सैलरी क्या है सैलरी एक रिकरिंग आइटम है हर महीने तो आती है ना यार सैलरी रिकरिंग आइटम है तो एक तो वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए वो बार बार अराइज नहीं होता आईवा नहीं एक आध बार हो गया बस और दूसरा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम ऑर्डिनरी बिजनेस आइटम क्लियरली डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पूरी तरीके से अलग है मतलब आप उसको ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेट कर ही नहीं सकते हो इट शुड बी क्लियरली क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम जैसे कि जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट इट इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम ऑर्डिनरी आइटम में हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का आइटम आते हैं ना पर लॉस बाय थेफ्ट इज नॉट माय बिजनेस मतलब है बिजनेस में पर वो डायरेक्ट बिजनेस का खर्चा नहीं है ना यार बिजनेस का खर्चा नहीं है बिजनेस के अंदर हो गया गलती से गड़बड़ से समझ आएगी नहीं हा अर्थक्विक से नुकसान लॉस बाय लॉस बाय डैमेज लॉस बाय फायर अर्थक्वेक आई मेरी बात समझ में इसमें दो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दूंगा जो ए एस खुद बोलता है एक तो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ये आपको याद होना चाहिए था आपने ग्रुप वन में पढ़ा होगा गवर्नमेंट ग्रांट ए एस ट्वेल्व आपके ग्रुप वन में था और जब हम ग्रुप वन में यह पढ़ते थे कि ग्रांट को रिफंड करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज ट्रीटेड एज एक्सट्रॉर्डनरीएस ट्वेल्व तो ग्रांट को रिफंड करोगे ना तो उसको एक्स्ट्रॉर्डनरी इसका मतलब अगर मैंने करंट ईयर में ग्रांट रिफर रिफंड की होगी तो उसको मुझे अदर एक्सपेंस में नहीं डालना चाहिए उसको मुझे कहां डालना चाहिए एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के हेड में समझ आया कि नहीं हा? एक और बता देता हूं VRS का खर्चा VRS क्या होता है रिटायरमेंट स्कीम इंप्लॉय को हम जल्दी रिटायर करवा देते हैं टाइम से पहले और उसको देते हैं वो भी एक्स्ट्रोर्डनरी आइटम होता है तो इसका मतलब वो आपका कहा नहीं आएगा वो बेनिफिट एक्सपेंस में नहीं आएगा और वो एक्स्ट्रोर्डनरी आइटम में आएगा अब समझ में आया बोलो ना क्लियर yes. हुआ कि नहीं इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ मशीनरी वेरी गुड ये भी आएगा बहुत बढ़िया किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला है वेरी गुड तो ये कौन से आइटम मैंने अभी? अभी आपको मैंने क्या बता रहा था किसके बारे में एक्स्ट्रा आइटम के दो कैरेक्टरिस्टिक कौन से नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बिजनेस आइटम ठीक है अच्छा मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए ये तो हो गया आपका एक्स्ट्रॉडनरी आइटम एक और चीज है एक्सेप्शनल क्या लिखा है यार तुम एक्सेप्शनल आइटम वैसे तो एक्सेप्शनल आइटम को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया यस मैं आपको बता दूं एक्सेप्शनल आइटम को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया बट 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 एक्सेप्शनल आइटम एक्सेप्शनल आइटम एक ऑर्डनरी बिजनेस एक्टिविटी का ही आइटम हो सकता है पर हो सकता है कि इस बार उसका साइज साइज मतलब मैं अमाउंट के फॉर्म में साइज बोल रहा हूं हो सकता है इस बार कंपैरेटिवली पिछले साल से उसका साइज बहुत ही बड़ा है ज्यादा हो गया इस बार या बहुत ही कम हो गया नॉर्मली ज्यादा होता था समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं एबनॉर्मली लो और हाई वैल्यू हो गई उसकी लाइक बेड डेट बेड डेट इज ए नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आइटम बट इस बार अगर ज्यादा बेड डेट हो गए बिकॉज ऑफ कोरोना सभी बिजनेस को नुकसान हुआ था मैक्सिमम बिजनेस अफेक्ट हुए थे कोरोना में तो अगर मान लो इस बार मुझे बेड डेट्स कुछ हाई लेवल पर हो गए तो उन बेडेट्स को मैं ऊपर के सातों हेड में नहीं दिखाऊंगा मतलब अदर एक्सपेंस में नहीं दिखाऊंगा उसको मैं कहा दिखाऊंगा एक्सेप्शनल आइटम में Exceptional. Exceptional में कि नहीं क्लियर तो हम क्या बोल सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम मतलब एक्सेप्शनल आइटम मतलब एनी आइटम बेस्ड ऑन इट्स साइज या नेचर इट कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंटिटी एंटिटी या किसी की भी डिसीजन मेकिंग बदल सकता है आई बात समझ में या मैं चलो जैसे पूछू आपसे आपका नाम क्या बेटा आकांक्षा आकांक्षा की एक कंपनी है आकांक्षा मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी की तो मैंने बोला आकांक्षा को कि आकांक्षा ने अपने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए आकांक्षा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने देख के बोला आकांक्षा इस बार नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों है एक्सप्लेन मी आप मुझे एक्सप्लेन करो बेटा कि इस बार नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों है ना आकांक्षा ने बोला कि सर देर अ लॉजिक एक्सप्लेन मैं मैं ये एक्सप्लेन कर सकती हूं कि पिछले साल कोरोना हुआ था और कोरोना की वजह से हमें इस बार हैवी बैड डेट्स हुए हैं तो हैवी बैड डेट्स इस बार आप देख लीजिए आप एक्सेप्शन आइटम में चले जाइए बैड डेट्स आप देखिए कितने हैं इतने बैड डेट्स हमारी कंपनी में आज तक नहीं हुए बेसिकली so आकांक्षा ने क्या किया आकांक्षा ने एंटिटी एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग से डेट दिखाए कि देख ले भाई वो अलग से मैंने ताकि तुम मुझसे बार बार ना पूछे कि ये क्यों ये क्यों तू खुद ही पढ़ एक्सेप्शनल आइटम so मतलब क्या एक्सेप्शनल आइटम मतलब एनी आइटम डिफेंस साइज और नेचर इज सच दैट

और आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए तो आप क्या बोलोगे आप पढ़ो बैठ के खुद ही शेयर होल्डर लोगों को कि आप उसकी कमेंट्री करोगे बैठ के कि हाँ मैं इस दिन लाइव आऊंगी और मैं पढ़ूंगी कि ये देखो ये क्या क्या होता है अरे भाई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी खुद ही पढ़ो खुद ही डिसीजन लो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अब जब मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए तो इसका मतलब जब तक तू एक्सेप्शनल आइटम दिखाएगा नहीं तब तक सेल्फ कैसे पालूम पड़ेगा कि उसका परफॉर्मेंस में इफेक्ट क्यों इसीलिए इसीलिए बढ़ाप्शन आइटम को अलग से दिखाया जाता है ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेन कर ले कि हाँ ये क्यों हुआ नहीं आएगा समझ में क्लियर हो रही है चीजें समझ में ठीक है तो चलो अब मेरे साथ आगे आगे पढ़ो तो आ, ये आया था प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शन एंड एक्स्ट्रोडनरी आइटम्स अच्छा अब नीचे क्या लिखा है हा? पढ़ लिया क्या होता है ठीक है ना हा एक्सेप्शन उसके बाद क्या लिखा है एंड and... अभी भी टैक्स नहीं आया है ना तो बिफोर एक्स तो अभी अभी उसके नीचे क्या आ गया extraordinary items. ये दोनों पढ़ लिया हमने yes. इन दोनों में कोई दिख तक, तकलीफ mm -hmm. अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी और एक्सेप्शनल आइटम में डिफरेंस क्या हो सकता है एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम दोनों है ना mm -hmm. दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता yeah, है एक्स्ट्रा आइटम इज नॉट रिलेटिंग टू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सेप्शनल आइटम कैन बी रिलेटेड टू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी दूसरा एक्स्ट्रॉडनरी आइटम इज नॉन रिकरिंग तुम दोनों को कैरेक्टर तुम सबको कैरेक्टरस्टिक बता देना दो कैरेक्टरस्टिक जबकि एक्सेप्शनल आइटम कैन बी रिकरिंग आया समझ में कि नहीं चलो ये भी हो गया हाँ अब क्या आया अब क्या जल्दी जल्दी बोलो पीबीटी सबको पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाँ टैक्स के बाद नीचे क्या लिखा है अच्छा एक सेकंड ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहां गया मैं इधर लिख देता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एएस5 लिख दो एएस5 सर एएस5 क्यों लिखा एएस5 इसलिए लिखा क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एएस5 में एक्सप्लेन किया गया है उसकी डेफिनेशन एएस5 में है ठीक है अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब हम टैक्स के आइटम लिख रहे हैं मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं टैक्स में ये दो आइटम का मतलब क्या होता है करंट टैक्स और डेफर टैक्स क्यों क्योंकि उसके ऊपर ए एस ट्वेंटी टू लगता है और ए एस ट्वेंटी टू हमारे सिलेबस में है और हम उसको जब ए एस ट्वेंटी टू पढ़ेंगे तो सिलेबस में समझेंगे फिलहाल इतना याद रखो कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं एक होता है करंट टैक्स एक होता है कोई पूछे टैक्स कितने प्रकार के होते हैं तो पहले उसको बोलना कि भाई तू के सेंस में पूछ रहा है कि नहीं कि दो प्रकार के होते हैं कौन से वाले दो प्रकार के टैक्स डेफर टैक्स ठीक है क्लियर हुआ करंट टैक्स डेफर टैक्स सर इसके ऊपर क्या लगता है एएस 22 लगता है एएस 22 हम जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे दोनों आइटम क्या होता है क्लियर है यहां तक अरे बोलो ना नेक्स्ट उसके बाद क्या है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये वर्ड पर ध्यान देना है क्योंकि अभी तक पता है हम लोगों की क्या होती है हम जब जब मैं तुम लोगों को बोलूं बेटा पी एंडल का फॉर्मेट बनाओ तो फॉर्मेट तो तुम हो सकता है शायद ऊपर से लेकर सब अच्छे से बना लेते और एंड में लिखते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरली हम ऐसा लिखते हैं अगर आपको ध्यान हो तो ऊपर आपने क्या पढ़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके बाद आपने क्या लिखा टैक्स

मेरी बात समझने की कोशिश करना मान लीजिए आप की जो कंपनी है वो दो अलग अलग बिजनेस करती है उसके दो अलग अलग सेगमेंट है ठीक है उसके दो अलग अलग सेगमेंट है एक है टेक्सटाइल और एक है ऑटोमोबाइल मान लीजिए करंट ईयर में ऑटोमोबाइल बंद हो गया डिस्कटिन्यू हो गया करंट ईयर में ऑटोमोबाइल बीच में कहीं पर डिसकंटिन्यू हो गया ऐसे केस में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हम किसको बोलेंगे ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल को क्या बोलेंगे ऐसे केस में एस ट्वेंटी फोर लगेगा कौन सा लगेगा अरे मेरे को देखो क्या लगेगा ए एस ट्वेंटी फोर का नाम है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ए एस ट्वेंटी फोर का नाम क्या है एस ट्वेंटी फोर बोलता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर तुमने कोई बिजनेस बंद किया है कंपनी बंद नहीं बिजनेस बंद हुआ है कंपनी चल रही है बिजनेस बंद किया है तो वो जो बिजनेस से जुड़े हुए इनकम थे एक्सपेंस थे उसको ऊपर कहीं पर दिखाने की जरूरत नहीं है इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम सारे एक्सपेंस एक्सेप्शनल एक्सट्रॉन ये सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले बिजनेस के दिख रहे होंगे टेक्सटाइल कंटिन्यूइंग बिजनेस इसका मतलब यहां पर कैच ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं यहां से लेकर यहां तक ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं समझ आया कि नहीं जित, जो भी मेरे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है मैंने उनको मुझे डिटेल में दिखाना है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मेरा रेवेन्यू कितना है ऑपरेशन ऑपरेशन मेरा अदर इनकम कितना है मेरे हर एक कितने हैं पर अगर मैंने किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया है तो ये माना जाता है कि शेयर होल्डर को उसके सेपरेट इनकम सेपरेट एक्सपेंस एक्सपेंसिस क्या मतलब नेट प्रॉफिट बता तू यार डायरेक्ट अब तो बिजनेस बंद हो रहा है ना सेल को मैं क्या करूंगा सेल की खिचड़ी क्या कटा लूंगा उस मुझे तो नेट प्रॉफिट बता इसी वजह से अब देखो अब अब लॉजिक समझने के बाद अब कॉन्सेप्ट को समझो टैक्स लिखने के बाद टैक्स लिखने के बाद क्या आया प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम मतलब अभी तक हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे थे वो किस ऑपरेशन की थी अब कंटिन्यू हो गया अब एक वो ऑटोमोबाइल बचा हुआ है जो हमने करंट ईयर में बीच में बंद किया दो चार महीने का तो रेवेन्यू होगा दो चार महीने का तो एक्सपेंस होंगे कुछ तो होगा उसका क्या आ जाओ क्या लिखा है तो सर उसका रेवेन्यू नहीं बताया उसके इनकम और एक्सपेंस नहीं बताया नहीं उसका रफ में कैलकुलेट करके यहां पर नेट दिखा दो बस यही बोलना चाह रहा हूं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको रफ में वर्किंग करनी होती है कि रेवेन्यू कितना एक्सपेंस कितने अदर इनकम कितना नेट प्रॉफिट या लॉस कितना डायरेक्ट दिखा दो बोलो बेटा ये बात पहले कभी थोड़ी पहले कभी रियलाइज हुई थी यही कॉन्सेप्ट है मैं का मैंने का क्या बोला जब हम शेड्यूल थ्री पढ़ते हैं ना तो रियलाइज होता है कि हाँ यार हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस किया है यही आपका है बस और कुछ नहीं है मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं आपके किताब में है बट हम उसको कभी ध्यान नहीं देते बस ये है। समझ पा रहे हो ना पांच मिनट हो गए नहीं यार हा चलो तो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये क्लियर है कि नहीं yes. ये बिफोर ऑब्वियसली ये बिफोर टैक्स होगा क्योंकि उसका टैक्स नीचे आ रहा है yes. आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना yes, आ रहा है क्या टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और उसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स आ गया और उसके नीचे क्या आ रहा है फॉर द पीरियड मतलब क्या yes. सोचो सोचो ये दो को ऐड कर रहा है वो ये दो क्या है और डिस्काउंट कर बता दिया अच्छा साला सोचो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि अच्छा अलग अलग होता होता है होता है बट चीजें ऐसे होती है हाँ भाई क्लियर हुआ कि नहीं जो स्टूडेंट्स लाइव हैं यूट्यूब पे उनको क्लियर हुआ कि नहीं और सबसे लास्ट में क्या है अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर जिसको हम ईपीएस बोलते हैं अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर अर्निंग पर शेयर दो टाइप के होते हैं बेसिक और डायलूटेड ए एस हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा फिलहाल ए एस लिखा हुआ है तो बस इतना काफी है सर ये ये क्या EPS क्यों दिखाया सिंपल सी बात है कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ईपीएस हर कंपनी को पे एंडल के फेस पे दिखाना जरूरी है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है बस अच्छा ए एस मुझे कहीं दिखाना था तो यहां हम लिखेंगे ए एस ठीक है होप अभी हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया शायद कुछ नया समझ आया होगा मतलब ऐसा फील आया होगा कि हाँ यार कुछ नया आया ठीक है ना हाँ और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ऑलरेडी मुझसे अकाउंट्स पढ़ा हुआ होगा तो हो सकता है माइड भी उसको पता हो यहां तक बातें क्लियर गई सब जल्दी बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे दिखाओगे इस तरीके से देख लो एक बार जल्दी खुद ही पढ़ लो जो पॉइंट्स आपको खुद ही पढ़वाने में आपको जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा पढ़ आपको सेल ऑफ प्रोडक्ट सेल ऑफ सर्विस अदर ऑपरेटिंग रेवन्यू माइनस एक्साइज़ ड्यूटी मतलब जीएसटी जितना जीएसटी भी लिख आप, आप सकते हो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं पॉइंट नंबर वन टू थ्री फोर ये चारों पॉइंट पढ़िए अगर आपको मुझसे कुछ डाउट हो तो अभी कभी पूछिए दो मिनट दे रहा हूं जल्दी से जल्दी पढ़िए हाँ भाई फाइनेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शेल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड ऑबली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर कोई फाइनेंस फाइनेंस कंपनी कंपनी है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो उनके लिए इंटरेस्ट भी कहां आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ठीक है फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट शेल बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट अदर बोरिंग कॉस्ट एक सेकेंड एक सेकंड एक सेकेंड एक सेकंड यहां जरूर थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है आपको मतलब डायरेक्ट एंट्री में कुछ हो सकता है बट बट जहां मुझे पूछना है मैं पूछ के रहूंगा ग्रुप वन सब पढ़े हुए हो पढ़े हुए हो ना? <laughs> कैसी शक्लें बनाते हो तुम लोग फाइनेंस कॉस्ट शेल बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट कॉस्ट अदर बोरिंग कॉस्ट एक्सप्लेन मी अदर बोरिंग कॉस्ट क्या है ग्रुप वन पढ़े हुए हो तुम बोरिंग कॉस्ट बोल रहा हूं लोन थोड़ी लोन प्रोसेसिंग फीस वेरी गुड ए सिक्सटीन याद है ए सिक्सटीन बिल्कुल याद नहीं है ए सिक्सटीन ए सिक्सटीन अगर मेरे पास होगा अभी तो मैं डेफिनेटली दिखाना ही चाहूंगा क्योंकि दिखा के जल्दी समझ में आता है अगर आपको ए सिक्सटीन याद हो ऐसे दिन आ गए मेरे वापस ग्रुप वन में जाना पड़ रहा है देखो ए सिक्सटीन में सबसे पहली लाइन क्या लिखी होती है देखो क्या लिखा होता है पहली लाइन पहली लाइन क्या लिखा है अदर कॉस्ट की बात करूं तो अदर कॉस्ट में एंसलरी कॉस्ट कमीशन प्रोसेसिंग फीस डिस्काउंट प्रीमियम लीजेस के केस में फाइनेंस चार्जेस एक्सचेंज डिफरेंस ए एस इलेवन वाला अब तो याद आ रहा होगा नलाय को अब तो याद आ रहा होगा तो जब आप फाइनेंस कॉस्ट दिखाओगे तो इंटरेस्ट अलग से दिखाओगे और अदर कॉस्ट का हेड बना के अलग से दिखाओगे अब समझ में आया कि नहीं ठीक है और तीसरा क्या है एक्सचेंज डिफरेंस रिगार्डेड एज एन वो वही ए एसटीन वाला एक्सचेंज डिफरेंस ठीक है Other income, other income shall be classified as इंटरेस्ट डिविडेंड नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर ऑपरेटिंग incomes वगैरह वगैरह ये चार पॉइंट में कोई 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 डाउट जल्दी बोलो ये चार पॉइंट में कोई डाउट चलो वेरी गुड यहां तक क्लियर है पांचवा पॉइंट पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊं 90% परसेंट कभी पढ़ते ही नहीं है पर जब आप रियलाइज करोगे ना एक बार पढ़ोगे ना आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ओके okay, देखो क्या है पांचवा पॉइंट को ध्यान से पढ़ना ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा पांचवा पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कंपनी शेल शेल करना ही पड़ेगा मैंडेटरी शेल डिस्कोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इन्फो रिगार्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑन द फॉलोइंग आइटम्स अभी नहीं समझ में आया पता नहीं क्या लिखा है बस ये लिखा है कि कंपनी को डिस्कलोज करना पड़ेगा क्या पहला कंपनी जब इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाएगी ना तो इंप्लॉयिफिट एक्सपेंस के नीचे उसको उसको डिसएग्रीगेट करके दिखाना पड़ेगा कि उसमें सैलरी कितना है उसमें प्रोविडेंट फंड में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें शेयर बेस पेमेंट टू इंप्लॉय अरे ईसॉप ईसॉप की बात चल रही है शेयर बेस इंप्लॉय नाम सुना है नाम सुना है है क्या क्या तुमने कभी ईसॉप नाम yes. कभी कंपनी अपने स्टाफ को अगर शेयर्स दे रही है सस्ते में या फ्री में तो कंपनी का खर्चा हुआ ना तो ये भी तो एम्प्लॉय का बेनिफिट बेनिफिट एक्सपेंस हुआ तो ईसॉप स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अब अब इसको इंटरप्रेट करते हैं ये एडिशन वेमिशन क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जब भी तुम बेनिफिट एक्सपेंस दिखाओगे तो बेनिफिट एक्सपेंस तुमने दिखाया और तुमने उसका दिखाया कि उसका नोट नंबर सेवनटीन है तो उसके नोट नंबर सेवनटीन में जाके सैलरी अलग दिखाने का प्रोविडेंट फंड अलग दिखाने का ई सॉप अलग दिखाने का स्टाफ वेलफेयर मतलब तुम्हें मिनिमम चार आइटम तो दिखाने पड़ेंगे पांचवा तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिखाओ तो दिखाओ नहीं दिखाओ तो मत दिखाओ पर ये चार हेड तो तुम्हें दिखानाई पड़ेंगे समझ में आएगी नहीं अब है बहुत ही छोटा सा पॉइंट पता है हम, हम कभी इस चीज को ध्यान रखते नहीं है क्या ठीक है ना नोट्स बना लेंगे नोट्स में तो ऐसा आता है पता है ना ऐसा होता है हमारे हमारे थॉट प्रोसेस क्या है कि हाँ ये मेन है इसके नोट्स के नोट्स होते हैं इसके बनते हैं और नोट्स तो बन जाते हैं नोट्स में भी इंप्लॉय बेनिफिट के अंदर आपको मिनिमम चार चीजें दिखानी है वो पढ़ना जरूरी है, है अरे बोलो ना यार तो अब इसी तरीके से आगे इंटरप्रेट करो जल्दी जल्दी बताओ दूसरा वो तो साफ साफ बोल रहा है भाई, आपको नोट्स में भी अलग से दिखाना ही पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट हाँ ये इंपॉर्टेंट है पढ़ो क्लियर बताओ कौन सा आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कोई भी एक्सपेंस कोई भी इनकम आप अलग से नोट्स में दिखाओगे जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए लिमिट क्या है वन परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज साल भर का एक्सपेंस अगर इस लिमिट को क्रॉस कर ले तो उस एक्सपेंस को आपको नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से दिखाने का है। इसको और डिटेल में बताऊं। तुम लोग इधर अदर एक्सपेंस दिखाते हो अब मान लो तुम्हारे अदर एक्सपेंस में बीस आइटम है कितने आइटम है बिजनेस प्रमोशन एडवर्टीजमेंट कमीशन और क्या 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 डिस्ट्रीब्यूशन में में भी भी चार पांच हो हो गए गए हैं जनरल पता नहीं क्या क्या हो अब उनमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जो लिमिट क्रॉस हो रहे हैं और कुछ आइटम ऐसे हैं जो, तो जो लिमिट वाइज उनको तुम एग्रीगेट नहीं कर सकते उनको उनके नाम से ही दिखाना पड़ेगा आया में नहीं। बोलो ना बेटा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फाइव करोड़ लिमिट बताओ मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फाइव करोड़ फाइव करोड़ का वन परसेंट फाइव लैख और वन एवर इज हायर फाइव लैख इसका मतलब मेरा कोई भी आइटम होगा ना जिसकी वैल्यू पांच लाख या उससे ज्यादा होगी मैं उसको अलग से दिखाऊंगा नहीं नहीं, नहीं नहीं नोट्स के मन जैसे मैं इंप्लॉय बेनिफिट में चार चीजें तो मुझे दिखानी दिखानी है सैलरी प्रोविडेंट फंड, वेलफेयर मान लो पांचवी आइटम पांच, पांच लाख के ऊपर है तो मुझे वो भी अलग दिखानी पड़ेगी अदर एक्सपेंस में मान लो बहुत सारे ऐसे आइटम है तो मैं अलग से दिखाऊंगा जो पांच लाख के नीचे है वो तो मिस में डाल दो मेरी मर्जी नहीं आया जी एच में चेंज नहीं ये हमेशा साथ रहेंगे जी के बाद एच कभी नहीं आएगा पर जी के अंदर जितने भी आइटम है वो सेपरेट डिस्कलोजर होंगे कि नहीं वो लिमिट जी के अंदर ई e के अंदर सी के अंदर कहीं पे भी रेवेन्यू के अंदर बोलो बेटा तभी वो ऊपर बोल रहा है ना देखो ऊपर मैं मैं देखो क्या शेल डिस्कलोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इन्फो वो ये थोड़ी बोल रहा है कि डिस्क्लोज ऑन द फेस बोला ही नहीं उसने कि फेस पे तो मैं लिखाना पड़ेगा ऑन नोट्स दिखाना पड़ेगा समझ आएगी नहीं हेलो 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 आवाज थोड़ी कम रही है एक मिनट रुक जाओ कम कर दिया कम कर दिया आ रही आवाज़ हाँ हाँ आ रही सबको आ रही ठीक है कौन सा रेट का सबसे लास्ट हाँ हाँ हेलो ठीक है ठीक है <coughs> हाँ जी अब वॉइस आ रही है क्लियरली तो तो हाँ ठीक है बेटा अब मैं भी दस मिनट गिनूंगा पांच मिनट गिनूंगा अच्छे से चलो तो कल से स्वेटर पहन के आने का तुम लोग ठीक है तो कल से कॉटन डाल के आने का हाँ, हाँ पूरा करके आने का तुम भी बोल सकते हो सर कल से ये जैकेट उता, उतार उतार के <laughs> चलो तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हाँ ठीक है ओके उसके बाद हमें इंटरेस्ट इनकम को हमेशा अलग ही दिखाना होगा ठीक है ना हम किसी में उसको क्लब करके नहीं दिखा सकते हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमेशा अलग ही दिखाना होगा हम उसको किसी में क्लब करके नहीं बता सकते हमें डिविडेंड इनकम को हमेशा अलग दिखाना है हम उसको किसी में क्लब करके नहीं दिखा सकते नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट गेन ऑन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एस 11 कर दो hmm. पेमेंट टू ऑडिटर अच्छा अब देखो ये पढ़ो पेमेंट टू ऑडिटर जब तुम ऑडिटर को पेमेंट करोगे ना तो उसके अंदर भी तुम्हें चार हेड तीन चार हेड अलग, अलग अलग दिखाने पड़ेंगे पांच कौन कौन से तुमने उसको ऑडिट के लिए पेमेंट कितना टैक्सेशन मैटर लॉ मैटर हो सकता है उसने पे कोई किया होगा। भाई ब्रांच पे वो विजिट करने के तो तुम तो उसको रीइंबर्स करोगे ना पैसा तो कहने का मतलब अगर तुम अपने ऑडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हें अलग अलग हेड में बताना पड़ेगा इन केस ऑफ कंपनी कवर अंडर वन थर्टी फाइव या वन थर्टी फाइव क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ याद आ रहा है लॉ में पढ़ा था सेक्शन वन थर्टी फाइव सर सेक्शन से तो याद नहीं था पर हमने वो सी एस आर से याद आ गया सेक्शन याद था पहले yes. बता तो नहीं रहते सी एस आर सी एस आर के खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर होते हैं कोई एग्जाम्पल सर सी एस आर याद था देखो वो ग्रुप वन था हमारी पास्ट में नहीं जाने का सर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल पास्ट में नहीं जाने का होता है सर, ठीक है ना बहुत गलत कर रहे हो आप। <laughs> CSR के जितने भी आपने खर्चे किए हैं, वो आपको दिखाने हैं। वो आप अलग से करके किसी में नहीं दिखा सकते आप अलग से डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सेप्शनल नेचर और आपने जो भी एक्सेप्शनल नेचर के आइटम्स दिखाए उसको नोट्स में आपको एक दिखाने की उसमें कौन कौन से आइटम थे मुझे बताओ रिलीफ फॉर पुअर देखो यूट्यूब स्टूडेंट ने बता दिया डोनेशन दिया रिलीफ फॉर पुअर वेरी गुड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया ये सीएसआर में आता है क्या सोचो ध्यान से ये इनकम टैक्स वाला पॉइंट बता दिया तुमने <laughs> कि उसका डिडक्शन <deduction> मिलता है <laughs> पर वो सीएसआर वाला पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से शायद चलो एजुकेशनल एक्टिविटी में पैसा खर्च किया बच्चों की एजुकेशन के लिए है हाँ ना हाँ प्लेयर्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह के लिए किया आपने वो सब वो आता है चलो तो ये एडिशनल पॉइंट से क्या समझ आया ये समझ आया कि अच्छा नोट्स को भी कितना डिटेलिंग में हमें दिखाना है ये समझ आया तो आई थिंक हमने इतना पहले डिटेलिंग में हमें पहले पता नहीं होगा कि हाँ नोट्स को भी इतना डिटेलिंग में दिखाना पड़ता है वो चीजें समझ में आई अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं तो ये था तुम्हारा पी एंडल यहां तक समझ में आई सारी चीजें yes. बोलिए yes. पक्का yes. क्लियर yes. कितना टाइम हो रहा है 647 तुम ले लो मुझसे 10 मिनट का ब्रेक ठीक है 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का तुम चाय वाला ब्रेक ले लो या कुछ भी ले लो मैं यहीं बैठा हूं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा 5 मिनट का ब्रेक ले लो क्योंकि मेरा थोड़ा तो सा तो गला खराब हो रहा है 5 मिनट बाद अपन वापस से शुरू कर रहे हैं ठीक है तो मैं अगर मान लो बॉडी मूव करनी है थोड़ा बाहर घूम के आना है हवा खा के आनी है जो भी करना है पांच मिनट का ब्रेक है अपन पांच मिनट बाद मिलेंगे और हमारी हर क्लास में पांच सात मिनट का ब्रेक रखेंगे अपन ताकि रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को बॉडी का मूव होना जरूरी है सीट से उठो थोड़ा बाहर होकर आओ वापस आओ तो, तो अपने अपने आप हल्की सी एनर्जी आ जाती है चलिए थैंक यू सो मच फाइव मिनट्स का ब्रेक है चलिए स्टार्ट करें yes, ये अभी टेम्परेचर इसका कितना है ट्वेंटी थ्री है यहाँ पे बैठा रहे थोड़ी देर चलिए शुरू करते हैं चलिए तो अभी हमने पेंडल अभी हमने पेंडल किया ठीक है आपको कोई डाउट पूछना है इसमें पेंडल में कोई डाउट पूछना है क्या नहीं पूछना ठीक है अब आ जाओ आप इसी नोट्स के ऊपर वाले पॉइंट पर शेड्यूल थ्री टू तो द कंपनीज एक्ट थर्टीन डिवीज़न वन शुरू से देखिए जो जो पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो मैं आपको पढ़ने को बोलूँगा आप इमीजिएटली पढ़िएगा और हम उसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे सबसे पहले मैंने यहां पर साफ साफ बोल दिया है कि देखिए मैंने शेड्यूल थ्री को यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है अगर आपको शेड्यूल थ्री को डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल से शेड्यूल थ्री पूरा एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तो आपको डिटेल में शेड्यूल थ्री मिलेगा डिटेल में शेड्यूल थ्री वही लोग पढ़ते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हैं जो जॉब करते हैं हम स्टूडेंट्स को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत एटलीस्ट अभी तो नहीं है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई अ कंपनी रिक्वायड टू कंप्लाई विद एस जो कंपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है जो कंपनी ये शेड्यूल थ्री फॉलो कर रही है उसको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही सिंपल सिंपल सी पॉइंट्स हैं जैसे कह रहा है एवरी कंपनी टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई शेल

the disclosure requirement specified in this schedule are in addition and not in substitution of the disclosure requirement specified in accounting standard ab dekhiye do baatein hain ek to hai ye schedule 3 schedule थ्री में कुछ disclosures दिए गए कुछ डिस्क्लोजर दिए गए मतलब schedule थ्री में अभी अभी पढ़ा ना कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में तुम सैलरी अलग दिखाना ई e सॉप अलग था ना एडिशन इंफॉर्मेशन में कहता एक लाख या वन परसेंट ऑफ रेवेन्यू अलग से दिखाना ये क्या ये रिक्वायरमेंट ही तो है ना बोलो ये क्या ये डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट जो डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल थ्री ने मैंडेटरी बोली है वो एक्स्ट्रा है और जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है एस ए एस में वो भी एक्स्ट्रा है मतलब वो वो भी फॉलो करनी है दोनों करने है, तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं ना दोनों में से कोई एक कर लेता हूं आया समझ में कि नहीं मतलब तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी डिस्क्लोजर्स को फॉलो करना है तुम्हें इस शेड्यूल थ्री के डिस्क्लोजर्स को भी फॉलो करना है ये डिस्क्लोजर्स एडिशनल डिस्कलोजर्स है यह सबस्टिट्यूट नहीं है कि चलो ये वाला फॉलो कर देते हैं ए एस रहने दो ए एस को फॉलो मत करो ऐसे नहीं कर सकते पढ़ो ना पॉइंट को फिर से पढ़ो समझ आएगा लाइव स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अभी अवेलेबल होंगे तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं क्लियर ठीक है एडिशनल डिस्कलोजर स्पेसिफाइड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी मेड इन द नोट और बाय वे ऑफ एडिशनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट अनलेस रिक्वायर टू बी डिस्कल ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कह रहा है वो जो ए एस वाले डिस्कलोजर होते हैं ना उसको तुम बैलेंस शीट के अंदर मत दिखाना उसको तुम पी एंड एल के अंदर मत दिखाना उसको तुम नोट्स में दिखाना वो तुम अलग से कर से। आया समझ में कि नहीं जैसे ईपीएस कहां दिखा रहे हो तुम ईपीएस ईपीएस एस ईपीएस दिखा रहे हो पीएनडल के अंदर पीएन के ईपीएस पीएनडल के अंदर दिखाना जरूरी है क्योंकि वो शेड्यूल थ्री में बोला गया है पर जो ए एस में डिस्क्लोजर बोले गए एस में बोले गए ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना वो तुम कहां दिखाओगे नोट अकाउंट्स में जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए कि तुम फेस पे दिखाओ फेस मतलब पीएनएल के अंदर बैलेंस शीट के अंदर तब तक तुम उसको कहां दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से अलग से स्टेटमेंट बना के समझ में आएगी नहीं अब ये क्या इन बातों का कोई हमारे एग्जाम से रेलिवेंस है hmm. बिल्कुल नहीं कतई नहीं क्या ये पूछा जाएगा सिर्फ एक तो फॉर्मेलिटी है पढ़ाना है और दूसरा एक नॉलेज ओरिएंटेड की हां चलो ठीक है ऐसे ऐसे होता है ईच आइटम ऑन द फेस फेस फेस

एक बैलेंस बना के चलना है दो चीजों के बीच में तुम्हें वो बैलेंस बना के चलना है जल्दी बोलो बिटवीन प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिटेल दैट मे नॉट असिस्ट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जरूरी भी नहीं है फालतू दूसरा एंड नॉट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट ऑफ टू मच एग्रीगेशन फिर से फिर से फिर से दो चीजें कौन सी हैं दोनों में बैलेंस बना के चलो मतलब जब तुम डिस्कलोजर कर रहे हो तो फालतू के इमटेरियल इंफॉर्मेशन भी दिखाने का कोई सेंस नहीं है जिससे यूजर के डिसीजन पर कोई असर नहीं पड़ सकता ठीक है तो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन दिखाने का कोई उपयोग नहीं है जिससे यूजर के डिसीजन पर कोई अफेक्ट पड़ेगा नहीं पर 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 ये बोल दिया कि फालतू की दिखाने की जरूरत नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मत दिखाओ जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं यूजर को अफेक्ट कर सकती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ टू मच एग्रीगेशन जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको भी ऐसा नहीं कि तुमने एग्रीगेट करके कंबाइन कंबाइन करके छुपा दिया उसको अलग अलग करके दिखाओ खोल खोल के दिखाओ मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को खोल खोल के दिखाओ पर जो इमटेरियल है उसको उसको एग्रीगेट करके डिटेल में मत दिखाओ शॉर्ट में दिखा दो समझ आया कि नहीं तो बैलेंस बना के चलो कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी हो सकती है जो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करे उसको डिटेल में दिखाओ कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं हो सकती है जनरल पर्पज यूजर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी उसको कंबाइन करके दिखा दो क्लब करके दिखा दो बैलेंस बना के चलो आया समझ में कि नहीं? बोलो ना ये किसने बोला शेड्यूल थ्री ने किसको बोला कंपनी को कि जब तुम फाइनेंशियल बनाओगे तो तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया कि नहीं yes, फोर्थ वाला पॉइंट थोड़ा सा फंडामेंटली वाला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है राउंडिंग ऑफ रूल्स राउंडिंग ऑफ रूल्स Uh, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो क्या हम अपने फिगर्स को राउंड ऑफ में दिखा सकते हैं द आंसर इज यस राउंड ऑफ में हम दिखा सकते हैं तो हम राउंडिंग ऑफ कैसे फॉलो करें किस तरीके से फॉलो करें तो राउंडिंग ऑफ डिपेंड करती है कंपनी के टर्न पे टर्न पे देखो देखो अपने नोट्स में जाओ कंपनी के टर्न पे क्या टर्न है लेस देन 100 करोड़ अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तो तुम राउंडिंग ऑफ करो मना नहीं है पर तुम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स में दिखाओ थाउजेंड्स में दिखाओ और लैक्स में दिखाओ और मिलियन मिलियन मतलब वन मिलियन इजल टू टेन लैख वन मिलियन इजल टू टेन लैख तो तुम millions में दिखाओ लैक्स में दिखाओ hundreds में दिखाओ थाउजेंड्स में दिखाओ पर याद रहे ऐसे नहीं बैलेंस शीट दिखा दी मिलियंस में और पीएडल दिखा दिया थाउजेंड्स में सारी चीजें फिर एक ही उसमें होंगी हाँ अच्छा ऐसे भी नहीं कि बैलेंस शीट पीएं एक साल का दिखा दिया मिलियन में नेक्स्ट ईयर में दिखा दिया थाउजेंड में उसी चीज को कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली फॉलो करो जब तुम तो मिलियंस पकड़ रहे हो तो मिलियंस में ही हर साल दिखाओगे हाँ अगर तुम्हारा टर्नओवर बदल गया है हंड्रेड करोड़ से ऊपर हो गया तो फिर ठीक है पता ना तो हंड्रेड करोड़ के ऊपर हो गया तो कितना होगा अब तुम अगर हंड्रेड करोड़ के ऊपर चले गए हो या उसके टच हो गए तुम नियरेस्ट हंड्रेड में नहीं दिखा सकते थाउजेंड्स नहीं कर सकते बस लैक्स करो मिलियंस करो या फिर एक एडिशनल हो गया क्रोर्स ठीक है तो ये क्या थे कौन से रूल्स थे राउंडिंग ऑफ रूल्स राउंडिंग ऑफ रूल्स तुम एक बार अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हें हमेशा सेम फॉलो करना पड़ेगा एक बार अगर तुम लैक्स में फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर भी लैक्स उसके अगले साल भी लैक्स उसके अगले साल भी लैक्स ठीक है कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करोगे क्लियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल कंटेन द करिस्पॉन्डिंग शेल कंटेन शेल होना चाहिए जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो तुम्हें करेस्पॉन्डिंग फिगर भी दिखाने पड़ेंगे मतलब पिछले साल के करेस्पोंडिंग अमाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड फॉर ऑल द आइटम शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग नोट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अरे कुछ नहीं है ये वाला जब तुम करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो तुम्हें प्रीवियस ईयर के भी फिगर दिखाने पड़ेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर जो तुम तुम तुम्हार, तुम बना रहे हो तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर तो होगा ही नहीं तो तुम्हें प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी करेस्पॉन्डिंग दिखाने पड़ेंगे क्लियर yes. क्यों दिखाते हैं हम प्रीवियस ईयर के फिगर्स कंपैरिजन सिंपल सी बात है कंपैरिजन हा ठीक है तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस थे ठीक है कुछ कोई खास बात नहीं है आइए अपन एक बार बैलेंस शीट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन बैलेंस शीट पर ध्यान देते हैं ठीक है ना किसी को याद है बैलेंस शीट थोड़ी बहुत हा सबसे पहले लाइबिलिटी आता है कि पहले एसेट आता है ऊपर क्या आता है लाइबिलिटी पहले आता है कि असेट पहले आता है लाइबिलिटी आता है गलत इक्विटी आता है क्या आता है क्या आता है बेटा इक्विटी उसमें भी पहले क्या आता है इक्विटी ये इक्विटी और लाइब्रिटी में क्या डिफरेंस है अपना पैसा इक्विटी बाहर का पैसा लाइबिलिटी इसको और एलोबरेट करते हैं डिटेल में इक्विटी और लाइबिलिटी में डिफरेंस समझते हैं पहले ऐसा पैसा जहां कंपनी का दायित्व नहीं है वापस करने का कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंपनी को वापस करना ही पड़ेगा एक फिक्स टाइम के बाद तो वो हो गया इक्विटी जैसे शेयर कैपिटल कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल की कोई फिक्स मेचोरिटी होती है क्या कभी सुना है इक्विटी शेयर कैपिटल की कभी भी फिक्स मच्योरिटी नहीं होती एक बार इश्यू हो गए उसकी कोई रिडम्शन डेट नहीं होती वो कभी रिडीम नहीं हो सकते अरे बोलो रे yes, तो इक्विटी शेयर की कभी फिक्स मच्योरिटी नहीं, नहीं होती इसका मतलब जब तक कंपनी बंद ना हो जाए तब तक पैसा वापस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है वापस करने की अरे बोलो ना yes, तो ये क्या हुआ इक्विटी पर जैसे तुम बैंक से लोन लेते हो तो लोन में भी क्या यही कॉन्सेप्ट चलता है क्या कि लोन एक बार ले लिया जब तक बैंक कंपनी बंद ना हो जाए तब तक हम वापस नहीं करेंगे ऐसा होता है क्या कि इसकी एक फिक्स्ड मेच्योरिटी होती है बोलो ना यार फिक्स yes, मेच्योरिटी होती है तो जहां कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है कि हां हमें ये फिक्स्ड पीरियड के बाद वापस करना ही पड़ेगा तो वो लाइबिलिटी होती है जहां कंपनी की कोई जहां किसी इंस्ट्रूमेंट में किसी शेयर में किसी पर्टिकुलर चीज में कंपनी की कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है फिक्स मेच्योरिटी नहीं है तो वो चीज क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी इक्विटी रिडीमेबल शेयर्स क्या होंगे हाँ तो क्या होंगे इक्विटी होगा कि लाइबिलिटी होगा रिडीमेबल प्रेफ़रेंस क्या होंगे लाइबिलिटी यस रिडीमेबल शेयर्स आर लाइबिलिटी वाई दे हैव अ फिक्स मेचोरिटी कंपनी टू रिडीम नेम इट इज अ लायबिलिटी. पर सर लिखते तो शेयर के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर है क्या करें ही ऐसा है पर नहीं हमें कायदे से उसको लाइबिलिटी में दिखना चाहिए तो रिडीमेबल प्रेफरेंशियर्स क्या होते हैं? हैंबल क्या होंगे इक्विटी क्यों फिक्स तो डेट तो है ही नहीं, नहींबल है बस हर साल डिविडेंड डिविडेंड देना है प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने की कोई डेट ही नहीं है तो वो दे आर एज गुड एज इक्विटी शेयर तो वो कहां आएंगे इक्विटी में बोलो बोलो पर सच्चाई ये है कि प्रैक्टिकली इन रीडेबल प्रेफरेंशियस इशू नहीं होते हा है ना तो सबसे पहले क्या आता है इक्विटी फिर क्या आता है लाइबिलिटी फिर क्या आता है असेट तीन चीजें होती हैं कितनी होती है चीजें तीन कौन सी इक्विटी लाइबिलिटी और असेट अच्छा ग्रुप वन जैसे मैं ग्रुप वन बोलूंगा मतलब थोड़ा सा मैं मजे लेने की कोशिश करूंगा ग्रुप वन एक चैप्टर था ग्रुप वन का सबसे पहला चैप्टर थ्योरी वाला ये चेहरे देखने में उनको बहुत मजा आता है जब क्वेश्चन मार्क आ जाए और ऐसा लगने लगे कि हाँ देखो हमें हम भूल गए अकाउंट्स ग्रुप वन का थ्योरी का पहला पहला चैप्टर थ्योरी का ही था पूरा नाम क्या था वर्ड नहीं था फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ सर था सर बस मैंने आपको बता दिया सर देखो किसी ने पढ़ा था वो चैप्टर तू मेरे से पढ़ा है ना उसके बाद भी YouTube पे डला हुआ है लेक्चर नलायक आपने नहीं पढ़ाया था <laughs> तुमने भी नहीं पढ़ा था एडिटर इसको कट कर देना <laughs> <laughs> बेज्जत करवाते हो कट 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 क्या यार। <laughs> तो यस। एक फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर करके था आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा था वो थ्योरी वाला चैप्टर था उसमें अगर आपको याद हो तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अब घंटा पढ़ाई नहीं था तो अब क्या याद होगा मतलब ठीक है छोड़ो तो उसमें उस चैप्टर के अंदर एक पॉइंट था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा ना सर आगे बढ़ो ना हाँ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पांच होते हैं हटबे हट, बे? हट? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पांच होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एलिमेंट्स कौन से होते हैं मतलब आइटम पांच प्रकार के असेट लाइबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंस अरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पांच ही तो चीजें पाई जाती है ना कोई छठी चीज निकाल के बताओ नहीं तो दीज आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें से इनकम एक्सपेंस कहा जाता है पीएनडल में तो बाकी तीन चीजें कहा जाती है बैलेंस शीट में तो हम बैलेंस शीट में अभी क्या पढ़ रहे हैं इक्विटी लाइबिलिटी असेट वो तीन एलिमेंट्स क्योंकि बाकी के दो एलिमेंट्स कहां चले गए हाँ पीएनडल अरे बोलो रे 60-70 दिन की क्लास है बार बार ग्रुप वन का नाम लिया जाएगा तुम लोगों को मैं वो क्या बोलते हैं शर्मिंदा करके ही छोड़ूंगा <laughs> तुम लोगों को मैं शर्मिंदा करके ही छोड़ूंगा दो महीने में इतना समझ में आ जाएगा भाई तू टेंशन मत मता तूने पीस दी कि नहीं तूने पीस दी मजा कर रहा हूं तेरी पहले से मैंने बोल दिया था थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हाँ तो वापस आते हैं सबसे पहले इक्विटी से शुरू करते इक्विटी में लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आ रही हैं शेयर कैपिटल हम सबको पता है शेयर कैपिटल क्या होता है मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट पे आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व सरप्लस मुझे कोई भी चार पांच रिजर्व सरप्लस नाम बोलो कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व तो एक हेड होता है कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस हो गया रिवोल्यूशन रिजर्व स्टेटरी रिजर्व में कौन से आते हैं वो भी एक हेड है सी आर आर डी आर आर होता है ना सिक्योरिटी में हो गया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नाम तो सुना होगा ना यार हाँ तो कर लो इज्जत के लिए हाँ तो आ, नीचे, आओ, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ एक मिनट आप आ जाओ पेज नंबर 1.4। पेज नंबर 1.4 दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ो जल्दी पढ़ो कौन कौन से आते हैं कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिडम्शन रिजर्व ठीक है सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम सबको पता है डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व रिवैल्युएशन रिवोल्यूशन रिजर्व के साइड में लिख सकते हो चाहो तो एस टेन याद आ रहा है कि नहीं ही सीआरआर के साइड में लिखो बाय बैक एंड रिडम्शन ऑफ शेयर अरे नलायकों ग्रुप वन चैप्टर था एक रिडम्शन ऑफ प्रेफरें जहां हम सी आर आर बनाते थे yes, थोड़ा बहुत लॉम भी था हाँ था सेक्शन सिक्सटी एट हाँ सर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियर याद है कि नहीं चलो सिक्योरिटी प्रीमियम और क्या क्या है शेयर आउटस्टैंड शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये तुम लोग सिर्फ साइड में नाम डाल दो ई सॉप मैं जब आपको ई सॉप का चैप्टर करवाऊंगा ना तो ई सॉप के चैप्टर में ये चीज आएगी अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ई सॉप के चैप्टर में ये ये चीज आएगी क्लियर अदर रिजर्व्स अगर कोई नाम एक्स्ट्रा अलग है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ठीक है ना टी डेवलपमेंट फंड बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अगर स्टेटरी रिजर्व आते हैं तो अदर मतलब स्टेटरी रिजर्व Other मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व सरप्लस ये सरप्लस क्या होता है अरे वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल डिस्कलोजिंग एलोकेशन डिविडेंड बोनस ट्रांसफर टू ट्रांसफर फ्रॉम ठीक है क्लियर अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाई एयरमार्क इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज फंड अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिजर्व बनाया तो उसको फंड बोलोगे आप बोलो बेटा अगर आपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एग्जाम्पल yes. दू बिल्डिंग फंड वेरी गुड बिल्डिंग फंड आपने ये चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा फाउंडेशन में बिल्डिंग फंड याद आ रहा है कि नहीं yes, right. चलो सीए इंटर ग्रुप वन वापस ये सिंकिंग फंड डी आर आर वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया आपको याद होगा आपका एक चैप्टर था रिडमशन ऑफ डिबेंचर बोलो हा है ना ऑफ के अंदर था debenture debenture, reserve, investment, DRR investment करते थे. की नहीं अच्छा लास्ट डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस अरे वो वही एल में हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को नेगेटिव दिखाया था क्योंकि वो एक्सपेंस के कॉलम में आ रहा है अगर पीएनडल का पॉजिटिव बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है तो रिजर्व में दिखेगा एज ए पॉजिटिव पर अगर आपका करंट ईयर में लॉस हुआ तो तो क्या आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ना दिखा के आप उसको असेट साइड में दिखाओगे क्या नहीं आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही नेगेटिव करके दिखाओगे अरे बोलो ना यार yes, किसी को पूछना है क्या इसके बारे में पॉइंट क्लियर सबको वापस आओ ऊपर बैलेंस शीट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये क्या है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है शेयर वारंट क्या होते हैं शेयर वारंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक मान लो पेपर पे मैंने आपको लिख के दे दिया बोली वो शेयर सर्टिफिकेट होता है अगर आपके पास तो ऑलरेडी शेयर हैं तो आप ये सही बोल रहे हो कि मनी मनी शेयर वॉरेंट बहुत पहले यूज होता था आजकल बहुत कम हो गया है क्योंकि नॉर्मली अब ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है शेयर वॉरंट ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट एक पेपर है मैंने उसमें उसमें कंपनी ने अगर वो शेयर वॉरंट मैंने आपको बेचा है आपको दिया है तो आपसे इसका मतलब मैंने पैसे ले लिए हैं और मैंने उसमें ये लिख दिया है कि आपको मैं फ्यूचर में इतने शेयर इशू करूंगा और ये इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होता है आप ये किसी और को भी सेल कर सकते हो तो जब एंड में वो डेट आएगी और जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा मैं उसको इशू कर दूंगा वारंट बेसिकली तो ये नाम क्या है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट पैसे तो मैंने आपसे ले लिए एक तरीके से ठीक है क्या सर वो ले लिए तो वो इक्विटी में क्यों दिखा रहे है? क्योंकि वो लाइब्रेरी नहीं है वो वापस करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है नेक्स्ट पे आते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सबको पता है क्या है ये अलॉटमेंट अभी किया नहीं है पैसे ले लिए शेयर इशू करते वक्त नेक्स्ट नॉन करंट लाइब्रिटी नॉन करंट लाइब्रिटी में क्या क्या है एक एक करके जल्दी बोलो लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर कोई भी एक एग्जाम्पल बैंक लोन और डिवेंचर्स वेरी गुड बैंक एक साल से ऊपर के पर शॉर्ट में अगर बात करें तो डिबेंचर्स और बैंक लोन ठीक है जल्दी बोलो हाँ क्लियर नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लाइब्रेड ब्रैकेट में लिख लो एस ट्वेंटी टू हम इसको ए एस ट्वेंटी टू के थ्रू समझेंगे ठीक है फिर से आ जाओ लॉन्ग टर्म प्रोविजन सीधी बात है प्रोविजन मतलब एक तरीके से लाइब्रेरी होती है हा? सिंपल सी बात है जहां मुझे विद इन ट्वेल्व मंथ अगर कुछ पे करने की लाइब्रेरी आ रही है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा पर अगर बियॉन्ड ट्वेल्व मंथ है ट्वेल्व मंथ से ज्यादा पीरियड सर जैसे कि ग्रेचुअटी पेबल लिख लो एग्जाम्पल ग्रेचुटी पेबल अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसको पता है कि उसके इंप्लाइज रिटायर जब होंगे तो हमें ग्रेचुटी पे करना पड़ेगा तो आज से ही क्यों ना मैं आज से ही खर्चा बुक करना शुरू कर लू ग्रेचुटी का मैं पेबल बेसिस पे उसको बुक करूं तो ग्रेचुअटी पेबल लॉन्ग टर्म प्रोविजन समझ में आ रहा है कि नहीं अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब ऊपर की तीन चीजें छोड़कर बाकी जो भी आएगा वो इधर आएगा पर अभी काम करते हैं अभी जो चारों चीजें थी इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा नीचे आओ पेज नंबर 1.5, 1.5 सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है कि कौन किस में कौन सा कौन से आइटम आते हैं अब देखो पहले हम कौन सा पढ़े थे लॉन्ग टर्म बोरिंग पढ़े थे पर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो उन्होंने क्या क्या बोला है कि भैया जब तुम लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाओगे तो नोट्स के अंदर फेस पे नहीं नोट्स के अंदर तुम लॉन्ग टर्म बोरिंग में बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को अलग दिखाना टर्म लोन अगर बैंक से लिया है तो अलग दिखाओगे अब जैसे जैसे मान लो बैंक से तुमने चार अलग अलग टर्म लोन लिए अलग अलग बैंक से लिए तो तुम पहले एक नोट्स के अंदर एक सब हेडिंग बनाओगे बैंक लोन बैंक लोन के अंदर आईसीआईसीआई एस बी आई एच डी ऐसा बोलो डिवेंचर तुम्हारे अलग अलग प्रकार के हैं तो एक हेडिंग बनाओगे डिवेंचर डिवेंचर के नीचे एट परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर सेवन परसेंट नॉन कन्वर्टेबल ऐसे करके तुम्हें दिखाने अरे बोलो यार टर्म लोन फ्रॉम पार्टीज पार्टीज मतलब बैंक को अलावा बैंक के अलावा अदर कंपनी से तुमने लोन लिए आगे 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 बोलो आगे बोलो डेफर्ड पेमेंट लाइब्रेरी ये क्या होता है डेफर्ड पेमेंट लाइब्रेरी डेफर मतलब डेफर पेमेंट मतलब डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है फ्यूचर में मतलब मुझे आज किसी चीज का पेमेंट मैंने बोल दिया कि मैं बाद में करूंगा फ्यूचर में डेफर्ड पेमेंट लाइब्रेटीज डिपॉजिट्स लॉ में पढ़ाया नहीं पढ़ा पब्लिक डिपॉजिट पढ़ाया ना लॉ में डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं अरे कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है डिपॉजिट्स लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज तो सर ऊपर वाला फिर पार्टीज क्या था ऊपर वाला अनरिलेटेड पार्टीज ऊपर वाला क्या था अनरिलेटेड नेक्स्ट लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ये क्या है लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज इसको ब्रैकेट में कर दो ए एस नाइनटीन मैं आपको जब ए एस पढ़ाऊंगा आपको तब समझ में आएगा फाइनेंस लीज अरे कुल कुल मिला के ऐसा है कि आप ना आपने एक प्रॉपर्टी लीज पर ले ली आपने प्रॉपर्टी लीज पर ले ली दस साल की उसका किराया जो विद इन वन ईयर आपको देना है वो तो शॉर्ट टर्म हुआ पर बाकी का किराया जो विदिन बियॉन्ड ट्वेल्व में देना है वो क्या है लॉन्ग टर्म ये वो है लीज का आया समझ में कि नहीं नेक्स्ट अदर लोन फर्दर क्लासिफाइड बाय सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जितने भी तुमने ये दिखाए हैं इनमें सिक्योर्ड कितने हैं अनसिक्योर्ड तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा इनमें से डायरेक्टर ने अगर कोई गारंटी दी हुई है मान लो तुमने बैंक से लोन लिया इस पर तो बैंक को गारंटी चाहिए थी तो डायरेक्टर ने गारंटी दे दी तो तुम्हें गारंटी दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्टर ने हमारे गारंटी दी हुई है या किसी और ने दी हुई है टर्म्स ऑफ रीपेमेंट कितने कितने टाइम में वापस करने पड़ेंगे ये लोन ये सब मतलब तुम समझो मेरी बात को एज ए स्टूडेंट अकेडमिकली बहुत आसान है आ, ये देखना कि हाँ बैलेंस शीट पिंडल क्या ही बनती है पर जब आप किसी रियल लाइफ कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो उसके डिस्क्लोजर आप जब देखोगे तो इतने सारे डिस्कलोजर होते हैं बहुत सारे होते हैं उसके दिस्क्लोजर पे दिस्क्लोजर, दिस्क। क्योंकि इतनी सारी बातें बताने में टाइम भी तो लगता है पीरियड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑन बैलेंस शीट किसी लोन के ऊपर आपने अगर डिफॉल्ट किया हुआ है तो कब से चल रहा है वो कितना अमाउंट का डिफॉल्ट चल रहा है वो सब तो दिस ऑल वॉज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग वैसे ही ये बाकी के दो भी पढ़ लेना तुम लोग पढ़ लोगे कि नहीं देख ही लो दो दो आइटम ही दो बस क्लियर कोई डाउट पूछना है क्या हाँ नेक्स्ट इज करंट लाइबिलटी पहला आइटम कौन सा करंट लाइब्रेड में ऊपर क्या था लॉन्ग टर्म नीचे क्या है शॉर्ट टर्म ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स ध्यान से देखो इन्होंने ट्रेड पेबल में दो सब हेड डाले हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस और अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस तुम्हारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं तुम्हारे जितने भी ट्रेड पेबल्स हैं उन जितनी भी पार्टीज हैं उनमें से छोटी छोटी कंपनीज कितनी है उनको अलग से दिखाओ और अदर देन छोटी मतलब बड़ी कंपनीज कितनी है, उनको अलग से दिखाओ अच्छा दोनों आते हैं ध्यान रखना ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं याद रखना ठीक है अदर करंट लाइब्रेडिज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्लियर बोलो बेटा yes. इसमें मैं आपको वापस से डिटेल में ले जाऊंगा और मैं आपको कुछ आइटम पे टिक लगाऊंगा जो आप कभी जिंदगी में नहीं बोलने बोलने चाहिए कि अच्छा ये आइटम यहां आता है मतलब आता है मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे कौन से आइटम है मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे कौन से है बाकी तो आपको खुद पढ़ना है घर जाके ध्यान से आइए करंट लाइब्रेरी पे आइए आ गए पेज पे करंट लाइब्रेरी में ध्यान से देखना अदर में अदर वाले हेड में क्योंकि ये अदर ही है जो सबसे ज्यादा उलझाता है हर किसी को लगता है सर अदर में क्या आएगा सर अदर में क्या आएगा तो अदर वाले को ध्यान से देखिए और सारे आइटम नहीं बोल रहा हूं कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ना ना है पहला ना ना। क्या है पहला ना दिए ना दिए ना दिए दिए कोई करेगा इसको मुझे एक्सप्लेन करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आपने डिवेंचर इशू किया दस साल के लिए कितने साल के लिए आपको हर साल चलो डिपेंड चलो आपने लोन लिया लोन ज्यादा ईजी है आपने लोन लिया टेन लाख रुपीज का आपको एवरी ईयर वन लाख वन लाख वापस करना है एवरी ईयर वन लाख वन लाख वापस करना है ठीक है तो कितना अमाउंट मुझे विद इन ट्वेल्व मंथ वापस करना है एक लाख और बाकी अमाउंट नौ लाख रुपए मुझे ट्वेल्व मंथ के बाद वापस करना है तो इस पूरे टेन लाख को मैं कैसे दिखाऊंगा वन लाख को मैं करंट लाइब्रेरी में दिखाऊंगा वो भी अदर में तो बोलो ना और नाइन लाख को कहां दिखाऊंगा नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बॉरिंग में लोन फ्रॉम बैंक नहीं आया सर में yes, क्लियर हुआ कि नहीं सी डी ई देख लो ध्यान से कौन कौन से आइटम है बहुत ही इजी इजी है हमारे बचपन से हम पढ़ते आए इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ये क्या होता है बैंक हर महीने आपसे इंटरेस्ट लेती है सुनना ध्यान से बैंक हर महीने का आपसे इंटरेस्ट लेगी अगले महीने की पांच तारीख को सुनना बैंक हर महीने का इंटरेस्ट आपसे अगले महीने की पांच तारीख को लेगी दिसंबर खत्म हुआ दिसंबर खत्म हुआ तो एक जनवरी को मैं बोलूंगा कि दिसंबर का इंटरेस्ट अक्रू हो गया दिसंबर तो खत्म मतलब इंटरेस्ट अक्रू yes. पर अभी ड्यू नहीं हुआ no. क्योंकि पांच तारीख नहीं आई ना yes. क्योंकि पांच तारीख नहीं आई ना yes. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू yes. समझ में आएगी नहीं yes. दूसरा yes. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू मतलब पांच तारीख के बाद वो ड्यू बन जाएगा yes. तो अलग अलग दिखाना है कुछ होगा जो ड्यू नहीं हुआ है कुछ होगा जो ड्यू हो गया इनकम यार इनकम रेसिड सबको पता है बचपन से पता है हमें क्या होता है ठीक है अनपेड डिविडेंड ये क्या होता है अनपेड डिविडेंड लॉ में है क्या डिविडेंड के रिस्पेक्ट में कुछ लॉ में पढ़ा था क्या लॉ में या ऑडिट में होता है चलो छोड़ो हटाओ अनपेड डिविडेंड कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो विद इन थर्टी डेज कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है लॉ में था ना यार वो कौन सा तीस दिन के बाद वो पता नहीं किधर किधर डाल देते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन पता नहीं क्या क्या होता है वो सेवन डेज सेवन डेज के बाद सेवन ईयर्स थर्टी डेज के बाद सेवन ईयर अकाउंट में रखा रहता है हाँ क्या था इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन समथिंग समथिंग फंड तो वही तो है अनपेड डिविडेंड तीस दिन के बाद क्लेम ही नहीं हुआ तो अनपेड डिविडेंड वही आपकी क्या हो गई करंट लाइवी हो गई ना बोलो ना यार डिविडेंड जैसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया तो डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया तो आप अपने अनपेड डिविडेंड हो गया yes. बोलो ना यार क्लियर हुआ कि नहीं yes, तो मैं इसीलिए टिक लगवा रहा हूं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ना बोलते हैं सर अदर करंट लाइब्रेरी में क्या आता होगा सर पता ही नहीं इतनी सारी चीजें आती हैं कॉमन कॉमन एक और जी नंबर पॉइंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड किसी ने बता दिया यूट्यूब पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड वेरी गुड ठीक है डेविल सोल्ड एक तो तुम लोग YouTube वाले नाम ऐसे रखते हैं मतलब बस <laughs> <laughs> है? कौन है हा <laughs> एंजल प्रिया टाइप का ही भाई हा, हां हां सोल डेविल तुम्हारी मतलब मैं क्या ही बोलू मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट एंड शेयर मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस है चलो तुम लोग बताओ एक सोल डेविल ने पूछा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब आईपीओ आ चुका है आईपीओ आ चुका है पैसे ले लिए एप्लीकेशन में हमने आपको अलॉटमेंट नहीं किया है शेयर मनी शेयर मनी वो रिसीव्ड शेयर वो, वो पेंडिंग वो क्या बोलते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट जो है अभी आईपीओ आईपीओ कुछ भी नहीं आया फ्यूचर में आएगा आई आए बात में सोल्ड हाँ जी नंबर पॉइंट एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट रिफंडेबल क्योंकि जो रिफंडेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट अलॉटमेंट होगा वो तो ऊपर आ गया शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर होल्डर के देखो ना मतलब शेयर होल्डर फंड के जस्ट बाद वाला ये रहा ना शेयर एप्लीकेशन बनी पेंडिंग अलॉटमेंट और जो शेयर एप्लीकेशन बनी रिफंडेबल है वो आपका फिर करंट लाइब्रेडी बन गई तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटरेस्टिंग थे और आपको पता होना चाहिए कि अदर करंट लाइब्रेरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं दैट्स इट बाकी तो चीजें आप पढ़ लीजिएगा बेटा क्लियर है कि नहीं आता अच्छा आगे बढ़ते अब आते हैं असेट्स पे अब आते हैं असेट्स पे घड़ी मोबाइल स्मार्ट वॉच जो भी है अगले दिन से मैं रूल बना दूंगा कि बाहर छोड़ के आने का तो इसलिए मत देखा करो ठीक है हाँ और मैंने आज ही क्लियर कर दिया था चलो मैंने स्पेशली बाकी फैकल्टीज को रिक्वेस्ट करके आखिरी क्लास मांगी है मैं बता रहा हूं असेट्स असेट्स नॉन करेंट उसमें सबसे पहला क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल इनटेंजिबल अच्छा पीपी के आगे टेंजिबल के आगे क्या लिखोगे ए एस टेन ए एस टेन कवर होता है ना नहीं क्या बोलो और इनटेंजिबल में एस ट्वेंटी सिक्स अरे बोलो रे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगेन ए एस टेन सर क्या होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तुम बिल्डिंग खुद बनवा रहे हो अभी तुम्हारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई अंडर कंस्ट्रक्शन इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट ए एस ट्वेंटी सिक्स तुम सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हो अभी काम चल रहा है अभी काम चल रहा है अंडर डेवलपमेंट है ऐसा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ए एस थर्टीन याद है एस थर्टीन का नाम क्या है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है याद अब तो रिएक्शन आना भी छोड़ दिया पहली क्लास से बताओ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट चैप्टर ग्रुप वन ग्रुप वन एस थर्टीन और एक अलग से चैप्टर हुआ करता था इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बड़े बड़े अकाउंट बनते थे नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट फेस वैल्यू इंटरेस्ट डिविडेंड अरे याद है कि नहीं इन्वेस्टमेंट्स yes, डेफर टैक्स असेट ए एस ट्वेंटी टू अभी नहीं समझाऊंगा अपन बाद में इसको समझेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस जाइए नीचे क्या लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस उसको डिटेल में जाके देखो डिटेल में कहीं होगा चेक करो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस पेज नंबर वन पॉइंट सेवन लोन्स एडवांस क्या क्या कैपिटल एडवांस सर कैपिटल एडवांस मतलब आप कोई कैपिटल असेट खरीद रहे हो उसके बदले आपने आ, 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 सामने वाले को एडवांस दिया बिल्डिंग की अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट सबको पता है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलो आपने नया इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया डिपॉजिट करना पड़ता है yes. मान लो लोन टू रिलेटेड पार्टी ठीक है है ये सब क्या लोन्स एंड एडवांसेस अदर्स इनको आप क्लासिफाई करोगे कि इसमें से सिक्योर्ड है तो गुड कितने गुड मतलब डूबेगा नहीं अनसिक्योर्ड है गुड कितने हैं और डाउटफुल कितने क्लियर है कि नहीं yes, उसके अगेंस्ट प्रोविजन आपने बनाया कि नहीं बनाया क्लियर डायरेक्टर yes, को अगर लोन दिया तो वो अलग से दिखाओ डायरेक्टर्स hmm. को अगर लोन दिया तो अलग से दिखाओ क्लियर है कि नहीं तो ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस वापस आते हैं दर नॉन करंट असेट्स अदर नॉन करंट असेट जाके देखो क्या क्या होता है क्या होता है लॉन्ग टर्म बिल्कुल सही ट्रेड रिसिवल नॉर्मली क्या होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं पर अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या करोगे अदर में करोगे बोलो ना यार और अदर्स अदर्स मतलब अगर ट्रेड रिसिवल के अलावा अगर कोई जैसे कुछ ड्यूज हैं अगर आपके वही सेम सिक्योर्ड गुड अनसिक्योर्ड गुड डाउटफुल और फिर आपका प्रोविजन फिर डायरेक्टर्स वगैरह ये सब चीजें ठीक है नेक्स्ट करंट असेट्स आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि करंट असेट बहुत कॉमन चीज है जैसे उसमें इन्वेंट्री आती है कैश एंड कैश इक्वलेंट्स आते हैं तो प्लीज आप वो याद रखिएगा तो चलिए एक एक करके बताइए सबसे पहले ए एस थर्टीन ए एस थर्टीन कहता है इन्वेस्टमेंट दो तो टाइप के होते हैं यू आर लाइक हां सर कहता होगा आगे बढ़ो ए एस थर्टीन कहता है करंट इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स न लायकों चलो नेक्स्ट इन्वेंट्री एस ए एस ए एस टू आवाज ही नहीं आ रही अच्छा एक बात बताओ इन्वेंट्री लिखा हुआ है अगर एक कंपनी है जिसके पास रॉ मटेरियल भी है डब्ल्यू भी है फिनिश गुड्स भी है तो क्या वो सबको प्लस करके सीधा सीधा दिखा देगी कि क्या करेगी नोट्स टू अकाउंट्स में वो अलग अलग दिखाएगी ठीक है ट्रेड रिसीवल्स वही सेम डेटर्स प्लस बिल्स और इसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंड अदर देन माइक्रो स्मॉल ठीक है नेक्स्ट क्या ए एस थ्री याद आ रहा है क्या यस सर एस थ्री में कैश इक्वलेंट को डिफाइन किया गया है? कैश इक्वलेंट क्या होता है ग्रुप वन कैश इक्वलेंट क्या होते हैं yes. लिखना नहीं है पहले देखना है बोर्ड पे कैश इक्वलेंट क्या होते हैं याद आ रहा है कुछ ये वर्ड सर yes, हमें तो याद भी नहीं आ रहा सर <laughs> <laughs> हम तो छोड़ के गए थे <laughs> ये ऐसे तो मत करो यार मतलब कितना नीचे जाओगे तुम तो कितना कितना जाओगे नीचे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड मतलब क्या होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिनको आप जब बेचोगे आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जनरली जिनकी मेच्योरिटी थ्री मंथ्स के अंदर अंदर होती है हा? जिनकी मेच्योरिटी थ्री मंथ्स के अंदर अंदर होती है आई मेरी बात समझ में कि नहीं शॉर्ट टर्म हाईली 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 लिक्विड 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 का मतलब क्या एक आजकल तो ऐप सिस्टम आ गया है आजकल तो ऐप्स पे इन्वेस्टमेंट होते हैं आपने कई सारे ऐप्स देखे होंगे जैसे म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है ना म्यूचुअल फंड में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा Uh, मेरे को ना म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है मेरे को इक्विटी शेयर से ज्यादा मेरे को म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है मतलब मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया हुआ है और म्यूचुअल फंड में ज्यादा किया हुआ है मेरे पास मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं उनमें से एक कैटेगरी है लिक्विड फंड्स ये वो है लिक्विड फंड्स उसका मतलब ये होता है उसका मतलब ये होता है कि एक क्लिक करूंगा मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा और वो मैंने क्यों किया है कई बार होता है ना कि आपके पास पैसा रखा है आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगाना चाहते हो पर आप एट द सेम टाइम आपको पता है कि एफडी में डालूंगा तो सलाह तीन चार का रेट है तो मैं कहां डालू तो वो जो म्यूचुअल फंड में एक लिक्विड कैटेगरी होती है वहां आपको पांच छह परसेंट मिल जाता है ज्यादा नहीं पर एफडी से ऊपर ही होता है पांच छह परसेंट आपका एक्सेस पैसा रखा है वहां डाल दो बैंक में क्या ही आपको ब्याज मिल रहा है तो ऐसे होता है तो लिक्विड फंड अगर है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में अगर डाल रहे हो तो वो होता है कैश इक्वल क्लियर कि नहीं yes, आगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर करंट ये दोनों चीजें जल्दी जाकर पढ़ लो देख लो जाके क्या क्या चीजें आएंगी सोल डेवल ने बोला है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज वेरी गुड मोहित शर्मा ने बोला है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश वेरी गुड राइट एक बार देख लीजिए जल्दी कहीं है हुँ? ये है ना लोन्स लोन्स ये वही है वही रिलेटेड पार्टी अदर्स और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड गोड वाले ठीक है क्लियर है बेटा yes, एक नोट पढ़ लो नोट को हाईलाइट कर दो बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन ट्वेल्व मंथ मिच्योरिटी मतलब एफडी की बात कर रहा है शेल बी डिस्कलोज अंदर अंडर अदर फाइनेंशियल असेट कुल मिला के आप इसको ये बोल सकते हो नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्वल्ट वो आपके कैश एंड कैशुल में नहीं दिखेगा वो आपके नॉन करंट असेट में दिखेगा कहां दिखेगा नॉन करंट असेट्स, ठीक है ठीक है अगर आपके पास एफ डी है बारह महीने से ऊपर की है तो एफडी आप कैश में नहीं दिखाओगे एफ डी आप नॉन करंट असेट्स में दिखाओगे क्लियर अब मैं आपको अभी यहां पर तो छुट्टी दे रहा हूं ठीक है और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कल का हमारा टारगेट क्या होने वाला है कल का हमारा टारगेट होने वाला है बचा हुआ पोर्शन इस टॉपिक का इस टॉपिक का बचा हुआ पोर्शन मतलब ये जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इसमें मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसमें ज्यादा टाइम किस पे लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा करंट असेट और करंट लाइब्रेरी की डेफिनेशन में बट मैं आपको बता दूं कि मैंने अकाउंट्स वन ग्रुप वन में भी ये डेफिनेशंस होती हैं तो आप ये घर से पढ़ के आएंगे एक बार एटलीस्ट ठीक है तो ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है ठीक है कॉन्टीजेंट लाइब्रेटी कमिटमेंट ठीक है फिर अपना डायरेक्ट बचा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस इसमें छह क्वेश्चन है और अपन ये कल करेंगे और कल ही के दिन मुझे लगता है ये जल्दी अगर हो गया अगर जल्दी हो गया तो कल अपन अपना सेकेंड चैप्टर बाय का शुरू कर लेंगे ठीक है मैंने आपको आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं मैं आपको पहले वापस से याद दिला चाहता हूं रीजन बता दिया अकाउंट्स में तुम नए नवेले बच्चे होते हो तुम्हें इंप्रेस करना जरूरी होता है बनी बनाई बातें यार सीधी बात है तुम्हें स्पून फीडिंग की जरूरत पड़ती है इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्लो होता है हर चैप्टर को लिटा लिटा के लिटा लिटा के पढ़ाया जाता है रीजन क्योंकि तुम नए नए बच्चे हो तुम एक परसेंट की भी रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तुम हड़बड़ा जाते हो कि सर बहुत तेज करवा रहे हो पर जैसे ही तुम ग्रुप वन की पढ़ाई कर लेते हो तो तुम्हारा माइंड इतना तैयार हो चुका होता है कि नहीं यार अब जरूरी है क्योंकि उधर मेरे पास नौ महीने थे जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रुप वन अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है मुझे जल्दी करना है तो तुम्हारा माइंड अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है और इतना भी कोई फास्ट नहीं होगा डोंट वरी तो पहली बात लेक्चर का ये फंडा रहेगा कि हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं फास्ट भी चलूंगा पर यू गाइज हैव फुल आ, राइट कि आप मुझे बिल्कुल सीधा सीधा बोल दें कि सर फास्ट लग रहा है सर प्लीज थोड़ा स्लो चलिए दूसरी बात याद दिला दूं, क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे पर होमवर्क क्वेश्चन जैसे पहले चैप्टर में होमवर्क क्वेश्चन कुछ नहीं है मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी होमवर्क क्वेश्चन देने की अगली क्लास से होमवर्क क्वेश्चन जब मैं चैप्टर स्टार्ट करवा लू ये एक अजम्पशन लिया जाएगा मेरे द्वारा कि मैंने चैप्टर शुरू करवाया है क्लास प्रैक्टिस के मैं एक दो क्वेश्चन पे आया हूं तो अब बच्चा रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क वाले खुद ही करेगा यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी यस आई विल आस्क एवरी क्लास में कि होमवर्क का क्या स्टेटस है, है बताओ बेटा होमवर्क का क्या स्टेटस है, है जितना तुमसे पूछूंगा उतना यूट्यूब स्टूडेंट से पूछ उतना ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा अगर कोई क्वेरी आएगी डिस्कस करूंगा जवाब नहीं मिलेगा आगे बढ़ूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा चलो मैं करवा रहा हूं नहीं ये बिल्कुल मत सोचना कि हम नहीं करके आएंगे तो सर ना हमारे ऊपर हमारी शक्लों पे दया आके उनको आ जाएगी और वो बोलेंगे चलो मैं करवा देता हूं मैं बिल्कुल क्योंकि मैंने सच बताऊं हूं, होमवर्क क्वेश्चन मैंने डाले ही वैसे हैं जो यूं समझो कि एक रिपीटेटेड क्वेश्चन होते ना जैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन तो मुझे दया बिल्कुल नहीं आने वाली कि यार मैं करवा लेता हूं नहीं तो इनको दिक्कत हो जाएगी मैंने इस बार बहुत अच्छे से मेहनत कर दी है नोट्स पे कि होमवर्क क्वेश्चन मैंने अलग कर लिए योर येबिलिटी आप जानो आपका काम जाने मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी हूं हां होमवर्क क्वेश्चन में ऐसा हो कि सर पूरा ही क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर अजीब ही है करके दूंगा आप बोलोगे तो पर अगर आप बोलोगे ही नहीं तो मैं पूछूंगा नहीं ठीक है ये याद रखिएगा टेस्ट पेपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ग्रुप वन पे तुम ग्रुप वन में तुम लोगों ने टेस्ट दिए थे जब भी जिस भी फैकल्टी से पढ़ा जब भी पढ़ा जैसे पढ़ा क्या जो भी है दिए थे टेस्ट नहीं दिए थे अभी तुम तुम लोगों लोगों में ने ग्रुप वन के किस किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए होंगे कुछ रियलाइजेशन हुआ कि यार काश शुरू से थोड़े बहुत टेस्ट देते तो शायद पांच दस परसेंट इंप्रूवमेंट होता ऐसा ऐसा रियलाइजेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है बस जवाब तुम्हारे सामने है पॉइंट so, इज कि टेस्ट देना जरूरी है ठीक है टेस्ट होंगे हमारी टीम सॉल्व करेगी बुक्स मैंने आपको बता दिया दो दिन बाद आप लोगों को मिल जाएंगे मैं अगर ऑनलाइन बैच वालों बच्चों की बात करूं तो जो लाइव बिल्कुल अभी जिस दिन लेक्चर शुरू हुआ है अगर उनकी बात करूं तो आपको तीन चार दिन वेट करने की जरूरत है तब तक मैं नोट देता रहूंगा और अगर आपने ऑलरेडी क्लास ऑर्डर कर ली है तो डिस्पैचिंग अभी शुरू नहीं होगी डिस्पैचिंग दो दिन बाद शुरू होगी ठीक है जहां तक बात बची अगर ऐसे स्टूडेंट जो ये लेक्चर कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो आप इस बात को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि कुछ दिनों बाद तो बुक्स रेडी रहेंगी तो आप जिस 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 टाइम पे ऑर्डर किया होगा अगले दिन बुक्स डिस्पैच स्टार्ट हो जाती हैं एक दो चीजें और बता दूं जो शायद फेस टू फेस वालों के लिए बाद में जरूरी है और पहले ऑनलाइन वालों के लिए आप लोगों ने जब ऑर्डर किए हैं लेक्चर्स तो आपका वी स्मार्ट पे लॉग इन होना बहुत जरूरी है वी स्मार्ट के लॉग इन के अंदर आपको सीरियल की मिलेगा सीरियल की का मेल आपको अलग से नहीं आएगा सीरियल की सेम डे पे आपको मिल जाएगा आपके लॉग के अंदर जनरेट करना पड़ेगा लेक्चर का शेड्यूल डेली शेड्यूल जब जब मैं पढ़ाता जाऊंगा आगे लेक्चर अपडेट आपके में मिलेगा ये जितने भी नोट्स हैं आपको आपके लॉग में भी मिल जाएंगे एवरीथिंग ऑनलाइन डाउनलोड लिंक आपको आपके लॉग में मिल जाएगी आपका लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉग के अंदर आपको डाउट ऐप आप भी मिल जाएगा जो कि आप जैसे क्लिक करोगे तो एंड्रॉइड पर आपका वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो विल विल बी बी और इन योर तो आप वो जरा अच्छे से देखिएगा फेस टू फेस स्टूडेंट्स का भी मैं लॉग इन क्रिएट करवा दूंगा तो फिर वो उनका सेम ऐसा प्रोसीजर हो जाएगा ठीक है चलिए तो आज की हमारी पहली क्लास रही आई होप मैं आपसे पूछना चाहता हूं आई होप कि हमारा फर्स्ट डे ठीक ठाक रहा होगा बताइए बहुत, अच्छा। बहुत अच्छा था ऊपर ऊपर से मक्खन मक्खन लगा रहे हो तो आई होप कि आपको आज जब आप अभी क्लास छोड़ रहे हैं तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि कुछ चीजें नई मालूम पड़ी कुछ न्यू चीजें मालूम पड़ी मैं यही कोशिश करूंगा कि हमारा जितना भी ड्यूरेशन है आपको मजा आए आपको अच्छा लगे आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो क्योंकि जितनी आपको टेंशन है उतना समझ लो मुझे भी टेंशन है ठीक है ना उतना ही टेंशन मुझे है मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि 70 डेज में मैं कंपाइलर को भी कैसे करवा पाता हूं मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मैंने आज तक नहीं करवाया तो आई एम रेडी फॉर दिस जिसके लिए मैंने नोट्स को चेंज किया है इस बार अगर आप मेरे पिछले क्लासेस के नोट्स देखोगे ग्रुप वन के नोट्स देखोगे तो मैंने कभी होमवर्क क्वेश्चन अलग क्लास प्रैक्टिस अलग नहीं करवाया इस बार बिल्कुल प्लानिंग से ज्यादा अच्छे से प्लानिंग से मैं आपके सामने आया हूं और बहुत मजा आने वाला है बिलीव मी मजा आएगा बहुत ठीक है हाँ एक लास्ट बात बता दू यस yes. छुट्टी का तो मैंने आपको बताई दिया कि संडे जरूरी नहीं की छुट्टी होगी चीजें अपन मैनेज करते रहेंगे एक और चीज बता दू कभी मान लो ऐसा हुआ ना के बराबर सिचुएशन आ सकती है मान लो कभी ऐसा हुआ कि मुझे लगातार दो तीन दिन तक छुट्टी करनी पड़ी फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ एनी इंपॉर्टेंट इश्यू एंड ऑल इन दैट केस आई मे प्रोवाइड यू कोई भी छोटा चैप्टर का ओल्ड रिकॉर्डिंग आपका टाइम वेस्ट ना हो जहां मुझे पता होगा कि यार ये वाला चैप्टर में तो कुछ भी टेंशन नहीं है तो वो ओल्ड पर ऐसा हार्डली एक आध टॉपिक में होगा एक आध टॉपिक अगर हुआ भी तो अदरवाइज सब कुछ फेस टू फेस ही चलेगा ठीक है तो ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि अगर मान लो कभी ऐसा हुआ तो क्योंकि हमें उसका बैकअप लेके चलना पड़ता है ठीक है चलो थैंक यू सो मच सभी के लिए अभी फेस टू फेस बच्चों बाय बाय थैंक यू सो मच ऑनलाइन बच्चों बाय बाय थैंक यू सो मच कल मुलाकात करते हैं सेम टाइम पे ठीक है ओके बाय बाय